और क्या बोलती जनता, क्या बोलती पब्लिक, कैसे हो भाइयों और बहनों, अंकल आंटी और जितने बंदे अपनी स्ट्रीम देख रहे हैं, एवरीबडी वेलकम टू द स्ट्रीम। एंड देखते हैं थोड़े से चैट्स को। फर्स्ट बोलते हैं ये राइडर मेरे भाई, फर्स्ट बोलते हैं नोवा गेमिंग, बोल रहे हाय सर वसे ओपी नोवा गेमिंग वसे ओपी बीरो। हेलो ज्यूस डबल हार्ट, हेलो इनसाइड ज्यूस डबल इनटू फोर हार्ट्स। तो गाइस कैसे हो आज, हम लोग खेलने वाले हैं अपने बंदों के साथ में। एक्चुअली हम नहीं खेलने वाले हैं, हमारी टीम खेलने वाली है अगेन। आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ओपी ओपी बंदे खेलने वाले हैं आज। वॉर की टीम भी आ चुकी है, इसका मतलब है इरेंगल में वॉर के ड्रॉप के ऊपर जो टीम जाएगी शायद से यहाँ पे फाइट होने वाले हैं। बायोनिक हेलो, हेलो बायोनिक मेरे भाई, क्या चल। बैनिक्स स्पोर्ट्स आज खेल रही है, एमटीएफ खेल रहे हैं, बी टाउन ऑफिशियल, आरआईपी गर्ल्स, वॉर स्पोर्ट, डिग्री 23 भी आज खेल रही है, स्लॉट नंबर 7 में है डिग्री 23। इंस्पायर स्पोर्ट्स, ई स्टार स्पोर्ट, हैशटैग AFN सिंक एंड हैशटैग आई गेस आज नहीं खेलेगी, आज सब बंदे बिजी है, शायद से कोई और टीम आ सकती है हैशटैग के जगह पे। टीम नंबर 17 इज एमटीएफ, वहीं पे FSM भी खेल रहे हैं, अनस्टॉपेबल्स भी खेल रहे हैं आज। टारगेटेड स्पोर्ट TE, टारगेटेड स्पोर्ट्स गाइस आप लोगों को बोल दो कि GNR ने यहाँ पे ऑलरेडी वॉरमेनिया में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड GNR इज प्लेइंग इन ग्रुप 1 स्लॉट नंबर 21 और TE के बंदे भी हमारे ही ग्रुप में है गाइस। तो मजा आने वाला है, बहुत ही ओपी सा यहाँ पे फुल बूम्बा होने वाला है, बंदों को ऐसे ही रजिस्टर करवा दिया। देखते हैं टाइम पास के लिए रजिस्टर किया, टाइम पास मतलब एक थोड़ा सा फुल अच्छा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट रहता है वहां पे, तो सोचे कि भाई हम लोग भी ट्राई मारे, क्या बोलती है पब्लिक। हेलो विजन मेरे भाई, क्या हालचाल। गाइस अगर आप लोगों को भी रजिस्टर करना है तो फटाफट बोलिएगा जरूर, जो नेक्स्ट लीग आएगा उसका सब अपडेट्स हम लोग हमारे यहाँ पे डाल देंगे। इंस्पायर मीरा हेलो, मिसेस ज्यूस, अच्छा मिसेस ज्यूस को बोल रहे हैं, ओके। बीस्ट हाय ब्रो, क्या हाल है भाई। अरे ब्रो मेरा एकदम मस्त हाल है, आप बताओ। गाइस वी विल बी वेटिंग फॉर 3 more minutes, थोड़ा सा आईडी पासवर्ड लेट गया था तो 10:10 को स्टार्ट होने वाला है। आईडी पासवर्ड हमारा जाता है 50 को एंड वी गिव अप्रोक्सीमेटली 20 minutes फॉर द टीम्स टू कम एंड सिट इन देयर रिस्पेक्टिव स्लॉट्स। तो देखते हैं आज कैसे होने वाला है बूम बम। गाइस आप लोगों को क्या लगता है आज कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है, आप लोगों को तो बता ही देता हूँ पहले। मेरे को लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आई थिंक कि यहाँ पे कौन जीतेगी भाई, नहीं पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा। गाइस आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाली है, आपको भी हेलो मिस्टर ज्यूस ब्रो, हेलो मिसेस ने, हेलो मीरा दीदी, क्या हालचाल। हम जीतेंगे, आइए स्टार का प्रीमोस का ड्रॉप रहता है गाइस, जाओ भाई तोड़ो। एनसिंक एंड स्टार दोनों भाई टाइम पे फाइट कर लेते हैं, देसी जोन चालू हो जाएगा वैसे इनकी फाइट भी चालू होती है भाई, क्या ही बोले गाइस। स्लॉट 3 जीतेगी कोई शक, ये और टॉप के बंदे भाई फुल बूम करने के लिए आने वाले। देखते हैं फिर निशान, बायोनिक, स्पार्क एंड टोक्यो आज खेल रहे हैं। सब टीम बढ़िया है, देखते हैं कौन विन होती है आज। बाय बाय कस्टम टाइम स्टार्ट होने का आ गया है गाइस, देखते हैं यहाँ पे इंटू 3 कर देते हैं फिलहाल के लिए, लूट यहाँ पे इंटू 3 नहीं थी, वापस से इंटू 3 लूट करना पड़ेगा क्योंकि भाई कोई तो टट्टी एक था जिसने वापस से लॉग इन कर लिया था कल के जैसा, वो टट्टी का हम नाम जल्दी ही रिवील करने वाले हैं।
एक दो बार और हो जाएगा तो फिर उसका नाम तो हम रिवील ही करेंगे जो लॉग इन करता है टट्टी। और गाइस तो एग्जैक्टली अभी हम लोग चालू करने वाले हैं इन 3 मिनट्स स्लॉट नंबर 1 द स्पोर्ट्स का है कि नहीं भाई। द स्पोर्ट्स के बंदे स्लॉट नंबर 1 में क्यों बैठे हैं? 3 नहीं एक्चुअली गाइस, हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं भाई द स्पोर्ट्स के बंदे। अगर आप शिफ्ट हो सकते तो फटाफट हो जाओ शिफ्ट गाइस, शिफ्ट हो जाओ। चिपकी टट्टी भाई कहां पे? चिपकी भैया यहां पे कहां पे? ब्लिथ खेलने वाले शायद से, आई डोंट नो, या गलती से निकल गए हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया गाइस, माय बैड। अगर मैंने आपको उड़ा दिया तो नेक्स्ट मैच में खेलो भाई प्लीज। ओ भाई बंदे ने कॉल करते हुए लग रहा है किसी को कॉल उड़ा दिया। ओके गाइस तो यहाँ पे एक प्लेयर को उड़ा दिया है, उनके लिए वेट करेंगे थोड़ा, 2 मिनट और वेट करेंगे। 90 सेकेंड का टाइम रहता है कूल डाउन का, तो 2 मिनट वेट करके बाद में चालू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 मिनट, उसके बाद में फिर चालू करेंगे गाइस फॉर श्योर। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में प्लीज कोई बैठो मत, अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्लॉट 1 एंड 2 में कोई बैठो मत। Let's go, guys. तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मैच, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एग्जैक्टली यही टाइम पे हमारा मैच कभी चालू नहीं हुआ भाई, ये पहली बार हो गया गाइस, मुझे पता है मुझे 3 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, वी आर सो सॉरी फॉर इट। क्या ही बोले गाइस, यहाँ पे भाई एक बंदा एक दूसरे आई डी से आ गया, हमें मालूम भी नहीं पड़ा और हमने किक कर दिया, उनके लिए थोड़ा सा वेट कर रहे थे, बट नो वरीज चलता है। मंथली कितना अर्न करते हो बीच मेरे भाई? मंथली फिलहाल के लिए अभी तक अर्न नहीं कर रहे हैं, बट यार फ्यूचर में अर्न करने का सोच रहे हैं, देखते हैं कितना अर्न कर सकते हैं। ये तो भाई अपने ऑडियंस के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है, आपको अगर बोला जाए तो अप्रोक्सीमेटली अभी अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोज डालेंगे और आपको एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे और आपके व्यूज अच्छे खासे रहेंगे, पकड़ लो भाई कुछ ज्यादा अर्न नहीं होता है, $100 आपके हो जाएंगे फर्स्ट के, कम से कम 4 महीना लग जाएगा। अगर आपके पास में 1K सब्सक्राइबर है और आपको 200-300 के व्यूज आएंगे बंदों के, तो कम से कम 4 महीना लग जाएगा आपके फर्स्ट $100 होने के लिए। ये होता है सीन, ऐसा हम बोल सकते हैं आपको, ऐसा हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स यार, मतलब अलग अलग बंदे जो एरिया से है वो हिसाब से आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये क्लिक्स होते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ओके तो मैप यहाँ पे गाइस आ चुका है, मैप तो अपना यही था भाई, अपना प्यारा वाला मैप इरेंगल, और यहाँ पे भाई बंदे जो है वो धीरे धीरे उतरना चालू हो जाएंगे। फ्लाइट पास जा रहा है फ्रॉम गटका टू लिपोवका, पुचिंगी का एरिया जो है उसको ले सकते हैं बंदे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। पुचिंगी का एरिया को भी लिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, बंदे यहाँ पे उतरेंगे फुल बूम बाप करने के लिए, और जैसे हम लोग देख रहे हैं भाई ऑन टॉप के बंदे उतर चुके हैं, दे माइट गो टू भाई साउथ जॉर्जपुर सिटी।
जी हाँ, ईस्टार के बंदे वापस अपने ड्रॉप के ऊपर निकल चुके हैं। वहीं पे क्या एनसिंग के बंदे में निकल गए हैं, देखते हैं गाइस क्या है। एनसिंग के बंदे क्या वहीं पे उतर चुके हैं। जी हाँ, एनसिंग के बंदे भी वहीं पे जा रहे हैं। बॉम्बर के बंदे जो है वो एजिस पे खेलेंगे, क्वेरियन एजिस पे खेलेंगे। ईस्टार हेल्प बॉय भी है, हेल्प बॉय के लिए बंदे वेट कर रहे थे तो हेल्प बॉय भी आ चुके हैं। वहीं पे अगर देखा तो बी4 यू के बंदे, ईवो के बंदे यहाँ पे नजदीक में, भाई इंस्पायर एस के बंदे भी उतर चुके हैं। पोचिंग की यहाँ पे खाली दिख रहे हैं हमें फिलहाल के लिए, पोचिंग की किसी ने लिया नहीं है। पर भाई ऑन टॉप के बंदे उतर चुके हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जो इनका प्रॉपर ड्रॉप है हॉस्पिटल के एरियाज में उतर चुके हैं। हॉस्पिटल को शायद कोई और ही ले लिया गाइस हमें लग रहा है। जी हाँ, हॉस्पिटल को भाई ले लिया किसी और ने। ये है भाई ईवो के बंदे, इवोल्यूशन के बंदे, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। वहीं पे बी4 फियरी ओपी जो है वो तो भाई इनको घेरने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं भाई, इंटू 3 का लूट है, बंदे बूम बाम करने वाले। 4 डॉट्स के बंदों ने जीना के ब्लिथ को खत्म कर दिया और ब्लिथ अकेले खेल रहे थे, खत्म हो चुके हैं ब्लिथ। स्कूल का ड्रॉप ले लिया, देखते हैं वॉर के बंदे ने भी यही पे ड्रॉप लिया है कि नहीं। वॉर के बंदे यस वही ड्रॉप लेते हुए स्कूल का ड्रॉप यहाँ पे आज ले रहे हैं टीम GNR। देखते हैं क्या होने वाला है। वहीं पे एक रोजॉक का ड्रॉप पकड़ लिया है एक और लाइन अपने जीनर के। एंड देखा जाए तो भाई बंदे रुक नहीं रहे, वॉर के बंदों का अपना ड्रॉप मिल चुका है लगता है। क्रोनॉक मारने की कोशिश कर रहे हैं, बंदों को हिट बहुत ही तगड़े दे दिए है एंड ऑलमोस्ट मार दिया था बंदे को, यहाँ पे पिक ऑफ कर दिया था पर थोड़े के लिए बच गए। और ये है चिपकी टट्टी, चिपकी टट्टी को यहाँ पे भाई चिपका ही दिया था भाई, अपना डीपी बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया था क्रोनॉस ने, पर थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे बच गए। यहाँ पे थोड़ा इनका गेम सेंस काम में आया और इन्होंने टाइम पे मेरे को लग रहा है क्राउच कर दिया या कवर में आ चुके थे। स्टार के बंदों ने भी यही पे भाई मारा मारी चालू कर दिया। स्टार के बंदे भाई जैसे बंदूकें मिले वैसे हिट करना चालू करते थे और हेल्प बॉय को देखा है तो भाई हेल्प बॉय एजिस पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। FSM के बंदों ने भी वहां पे फाइट्स ले लिए हैं, शायद से यहाँ पे भाई तगड़े वाले फाइट होने वाले। ये FSM के बंदे तो नॉर्मली अपने स्नैन उतरते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली सीन है। वहीं पे ऑन टॉप के स्पार्क को नॉक किया जा रहा है भाई, इवोल्यूशन के बंदे तगड़े फेल रहे हैं यहाँ पे ऑन टॉप के बंदों को और भाई इनको तगड़ा हिट दे रहे हैं। यहाँ पे टोक्यो भी वहीं पे अकेले, देखते हैं टोक्यो के ऊपर भी फायर चल रही है। टोक्यो गाड़ी लेके निकल चुके हैं अपने दोस्त को, यहाँ पे मे भी लेके निकल जाएंगे शायद से या नहीं, वो तो पता नहीं है। फिलहाल टोक्यो आ गए हैं एक सेफ हाउस में, आराम से यहाँ पे वेट करेंगे अपने दोस्त के साथ में। बायोनिक एंड टोक्यो दो ही बचे, मेरे को लग रहा है हेल्प बॉय मर चुके हैं। ऑन टॉप के हेल्प बॉय तो है ही नहीं भाई, ये तो स्टार के हेल्प बॉय रहते हैं। ओके, तो निशान गाड़ी लेके आ रहे हैं, स्पार्क की हेल्थ ऑलमोस्ट लो हो चुकी थी। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इन लोगों के साथ में। ओ भाई चालू कर दिया इन लोगों ने मारने का भाई, एनसिंग के बंदे भी यहाँ पे इनका फाइट चालू हो चुका है जो कि नॉर्मल फाइट रहता है। प्रीमोस का फर्स्ट फाइट हमें देखने मिलता है बिटवीन एनसिंग एंड टीम स्टार, देखते हैं यहाँ पे क्या ही फिल्म पाली होने वाले हैं। फिलहाल के लिए एक बंदे को यहाँ पे नॉक दे दिया विजन ने, यहाँ पे नेट खोलते हुए मारने की कोशिश विजन कर रहे, ये नेट जाता हुआ यहाँ पे बहुत ही ओपी सा नेट अंदर घुस के क्या फोड़ेगा बंदों को। जी नहीं, नेट नहीं फोड़ा है, नेट नहीं फूटा है भाई, स्टार के बंदे हर जगह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। बंदे अंदर घुस रहे, गोस्ट ओपी नीचे उतर चुके हैं, हेल्प बॉय वर्सेस गोस्ट ओपी होने वाला है। गोस्ट ओपी वापस ऊपर चढ़ के एंड ये नॉक देते हुए फैंटम को, हेल्प बॉय बहुत ही ओपी से नॉक दे दिया भाई। हेल्प बॉय घुस रहा है बीच में, हेल्प बॉय भाई आतंक बचाने की कोशिश करने वाला है और ये इनको फिनिश ऑफ करने की कोशिश पूरी की जा रही है। यहाँ पे नेट मारे जा रहे, 3 बंदे यहाँ पे नॉक पड़े हुए, पीछे से यहाँ पे एज बॉय ने विजन को नॉक दे दिया है। विजन यहाँ पे नॉक होते हुए, हेल्प बॉय अकेले यहाँ पे, हेल्प बॉय को विजन को रैप देना पड़ेगा नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे भाई एज बॉय जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसिंग के 3 बंदे एक ही घर के अंदर वेट कर रहे हैं भाई। घोस्ट ओपी जो है मे भी यहाँ पे हिट कर सकते हैं अपने बंदे को रैप देने के ऊपर आ चुके हैं। डेमन भी वहां से है भाई, डेमन बाजू से और ये इनको नॉक दे दिया है भाई ससुके ने, बहुत ही ओपी सा नॉक यहाँ पे ससुके देते हुए। ससुके अभी आगे बढ़ने वाले, एज बॉय अकेले बंदों को यहाँ पे खत्म करते हुए एनसिंग के। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला टीम एनसिंग के साथ में। एजर बॉय मेरे को लग रहा है कि किसी ना किसी को फिनिश ऑफ करके ही जाएंगे, देखते हैं क्या सीन होगा गाइस। फिलहाल के लिए एजर बॉय को अगर देखा जाए तो एजर बॉय थोड़ा सा फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा खासा कवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड वहीं पे एज बॉय जो है मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी एक को अच्छा खासा एंगल के साथ में फेलने की कोशिश करने वाले हैं। स्पॉट करने की कोशिश पूरी की जा रही है बाय एजर बॉय और ये हिट करने की कोशिश भी कर रहे थे डेमन के ऊपर पर नहीं, एज बॉय के ऊपर भाई टपा टप्स आ चुके हैं। एज बॉय की हेल्प बहुत ही लो, ससुके वहां से भाई पुश करने की कोशिश कर रहे, चारों बंदे एक साथ पुश करेंगे, देखते हैं क्या एजर बॉय एक बंदे को खत्म कर पाएंगे या नहीं अपने टीम के लिए, क्या ये एक किल लेके आएंगे या नहीं, देखते हैं यही थोड़ी देर में हम लोग को देखना पड़ेगा। भाई इनके ऊपर रश आ रहा है भाई, तगड़ा वाला रश यहाँ पे आता हुआ, सब बंदे एक साथ रश करने की कोशिश कर रहे हैं। 1684 एजर बॉय के पास में
अच्छा बॉयज की हेल्थ भी बहुत ही लो, इनके पास में सिर्फ बैंडेजेस है मारने के लिए। नेड को डाल दिया है एक साइड में, देखते हैं विजन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, विजन को यहाँ पे फोड़ने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से, पर नहीं, एजर बॉय का तो सेकंड नेड था उससे एकदम भाई विजन अटेंटिव हो गए, नेड वापस से डाल दिया है यहाँ पे। नेड डालते हुए एजर बॉय इनको पुश बैक कर रहे हैं, पिश ऑफ कर रहे हैं, पर एजर बॉय यहाँ पे अकेले है, हेल्थ मारने की कोशिश पूरी की जा रही है। कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे पीते हुए भाई इन्होंने रेडबुल पी लिया, एक और नेड यहाँ पे डालने की कोशिश भाई एज बॉय, देखते हैं यहाँ पे एज बॉय कितनी देर तक इनको होल्ड ऑफ कर पाएंगे। बंदे हर जगह से यहाँ पे नेट मारने की कोशिश कर रहे हैं, एल बॉय भी यहाँ पे नेट मार रहे हैं, ये नेट जाता हुआ एंड एज बॉय को फिनिश ऑफ करता हुआ, बहुत ही ओपी सा नेट भाई हेल बॉय का। वहीं पे वॉर के बंदों ने जो फाइट ले ली है वो तो भाई तगड़ी वाली फाइट हो चुकी है, देखते हैं यहाँ पे एक बंदे को वापस से नॉक कर दिया है, और देखते हैं यहाँ पे क्रोनोस ने यहाँ पे शकुनी को नॉक दिया था, अभी इनको वापस से रैप देना पड़ेगा शकुनी को, एंड शकुनी को रैप देने के लिए जा रहे हैं आर्च साइड से, हर विंडो से मारने की कोशिश की जा रही है, एंड ये शकुनी को रैप दे दिया है। स्कूल का ड्रॉप एंड स्कूल अपार्टमेंट का ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है, देखते हैं भाई डीएमआर के बंदे भी यहाँ पे कहीं पे मर रहे हैं, मेरे को लग रहा है इवो के बंदे ने भाई भी पेलना चालू कर दिया, इसका मतलब है भाई इवो के बंदे भी भाई कम नहीं है, इवो के बंदे पेल रहे हैं, डाउन अनबीटेबल आराम से रुके पड़े हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। FSM के बंदे जो है वो यसनया में है भाई, DMR के बंदे मेरे को लग रहा है गाइस यहीं पे रहने वाले थे, मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे DMR के बंदे यहीं पे उतरते हैं, यसनया का ड्रॉप लेते हैं, बट शायद से मेरे को लग रहा है कि ये मर चुके हैं भाई, DMR के बंदे खत्म हो चुके मुझे लग रहा है। Vanix Esports गाइस यहाँ पे भाई फुल बूम बाम करने की कोशिश कर रही है, टीम के किल जीरो है फिलहाल के लिए, यहाँ पे हेल के फ्लेक्स गॉड जो है इनकी हेल्थ लो हो चुकी है, हेल के फ्लेक्स गॉड इनको अपनी हेल्थ मारनी पड़ेगी, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। TRC के बंदे जो है वो भी मस्त खेलने वाले हैं, इन्हीं के बाजू में भाई राइट साइड में भाई बंदे हैं, और शकुनी ने यहाँ पे भाई एक और बंदे को नॉक दे दिया है भाई, GNR के बंदे यहाँ पे रोजॉक से आ रहे थे भाई, GNR ने GNR को यहाँ पे नॉक देना चालू कर दिया है, वॉर के बंदे को बाजू में रख दिया है, एंड रोजॉक हिल के ऊपर यहाँ पे ओपी सा नॉक देते हुए शकुनी, बहुत ही ओपी सा यहाँ पे नॉक देते हुए विथ एंड DP, देखते हैं यहाँ पे क्या ये DP वापस से उल्टी चलने वाली है या ये रोजॉक की तरफ ही चलेगी। जी हाँ मुझे लग रहा है गाइस यहाँ पे नास्टी बिंग को होल्ड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे Vanix Esports के बंदे यहाँ पे नॉक हुए जा रहे हैं बाय टीम TRC शायद से, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया भाई, बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है रॉय जी, नहीं ये तो भाई FSM के बंदे हैं, FSM के हेडशॉट को भी नॉक दे दिया है बाजू से, यहाँ पे रॉय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, रॉय रॉय का भाई बहुत ही लटक रहा है, बहुत ही लटक रहा है, निंजा भी आगे बढ़ रहा है पीछे में भाई विथ एन ओपी गन विच इज थॉम्सन, और भाई थॉम्सन को 0.45 को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाई एक बंदे को और नॉक कर दिया भाई रॉय ने, रॉय की हेल्थ लो, रॉय यहाँ पे हेल्थ मारे, निंजा इन्हीं के साथ में एक बंदा जो था Vanix का यहाँ पे इसको खत्म किया जाएगा बीच को, एंड देखते भाई बंदे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे भाई बंदे घुस रहे हैं एंड फेल रहे हैं, देखते हैं क्या होने वाला, रश गॉड यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हेल के फ्लेक्स गॉड जो थे इनको भी बचना पड़ेगा, हेडशॉट तो बच जाएंगे वैसे भी, FSM के फ्लेक्स गॉड बहुत ही दूर है, वहीं पे भाई रश गॉड भी बहुत ही दूर है, स्मोक मारने की कोशिश यहाँ पे नेट मारने की कोशिश की जा रही है भाई Vanix Esports, एंड बाजू से ट्राइलून ने इनको नॉक करके फिनिश तो कर ही दिया है, फिनिश ऑफ हो जाएंगे फ्लेक्स गॉड के लिए बच जाएंगे, देखते हैं वहीं पे भाई इनका फाइट वापस चालू हो गया है भाई, यहाँ पे पेलने की पूरी कोशिश की जा रही है, कर्मा को यहाँ पे पिक ऑफ किया जा रहा है एक के पीछे एक भाई, टीम GNR के शकुनी भाई क्या ही ओपी यहाँ पे DP चला रहे हैं, यहाँ पे शकुनी बहुत ही अच्छा बहुत ही जहर पर्च मारने की कोशिश कर रहे हैं, शॉन को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं शकुनी, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, शॉन के ऊपर पूरे आंखें लगाते हुए यहाँ पे शकुनी क्या है ये प्यारा सा नॉक निकाल पाएंगे, क्राइसलर ओपी यूज ओपी भाई बूम, शॉन के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था पर नहीं, शॉन ने वही टाइम पे क्राउच ऑफ कर लिया है, वहीं पे वॉर के बंदे भी भाई बंदों को छोड़ नहीं रहे, मे भी वॉर के बंदों को पता चल चुका है कि वहां पे आगे बंदे हैं, ईवो के बंदे ने मारना चालू कर दिया भाई, ईवो के बंदे यहाँ पे नॉक हो रहे जा रहे हैं, 96 हेल्थ बक की हेल्थ लो हो चुकी है पर कुछ नहीं हो पाएगा फिलहाल के लिए, द स्पोर्ट्स के बंदे भी फेल रहे, देखते हैं यहाँ पे द स्पोर्ट्स के बंदे कितनों को फेलते हैं, और भाई बॉम्बर के बंदे ड्रॉप लेके चले गए, 4 डॉट्स के बंदों की फाइट चालू हो चुकी है, 4 डॉट्स के बंदे यहाँ पे रोजॉक हिल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, टिनटिन यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके 1684 के साथ में, यहाँ पे बहुत ही ओपी से नॉक देते हुए टिनटिन के पास में अभी DP में स्विच कर लिया, देखते यहाँ पे क्या टिनटिन एक और बंदे को नॉक दिला पाएंगे, अकेला बंदा मेरे को लग रहा है कि टिनटिन बाकी तमाशा भी है यहाँ पे जिंदा, और भाई एक बंदा इनका तो इवो का बंदा पीछे में है, पीछे से बंदा यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या ये बहुत ही ओपी से नॉक निकाल पाएगा, फियरी ओपी यहाँ पे भाई पीछे से अटैक करने की कोशिश करने वाले ऊपर से यहाँ पे गिरते हुए फियरी ओपी भाई, यही टाइम है इनको जाने का, थोड़े से यहाँ पे लेट हो सकते हैं, बंदों को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा रहा है इनके,
पियरी ओपी आराम से यहाँ पे सुपरीमेंट टाइम लेते हुए, और भाई ऊपर चढ़ने में तकलीफ इनको हो रही है। इन्होंने शायद से यहाँ पे स्पॉट करना चालू करने वाले, अभी थोड़ी देर में टिंटिन को स्पॉट कर लिया गया है। यहाँ पे टिंटिन के ऊपर स्प्रे, टिंटिन को नॉक नहीं कर पाए यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट कर लिया। M4 चलाने की कोशिश कर रहे है, हेल्थ नहीं है फिलहाल के लिए, हेल्थ मारने का बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। एक बंदे को अभी तो पिकअप नहीं कर पाए, थोड़े से पैनिक हो गए थे। यहाँ पे इनको लेटना पड़ेगा, इनको गाड़ी लेके निकलना पड़ेगा दोनों में से एक। ये गाड़ी लेके निकलते हुए फियरी ओपी B4 के, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं। भाई गाड़ी पलट गई और ठोक दी, नहीं गाड़ी लेके निकल जाएंगे। बहुत ही ओपी यहाँ पे गाड़ी लेके निकल चुके हैं, वहीं पे भाई बंदे यहीं पे स्टैन ओपी को यहाँ पे मैं भी बचाने की कोशिश करने वाले पर नहीं बचा पाएंगे। एंड ये स्टैन ओपी मरते हुए, और ये भाई मौत के कुएं में आके गिरने की कोशिश कर रहे हैं बंदे। देखते हैं क्या होने वाला है B4 फियरी ओपी का। यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी टीम को खत्म कर दिया, ये लोग वेट करेंगे। भाई ये बंदा वेट करने वालों में से है, ये बंदा वेट करेगा और पेलने वाला है। मेरे को लग रहा है कि बाजू से इनको पेलने वाले है मेरे को। देखते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या होने वाला है। फायर आ चुके हैं हर जगह से यहाँ पे, और ये भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट दे दिया बंदे ने, रोक दिया फायर। थोड़े शॉट यहाँ पे अगर लग जाते तो बंदे नॉक हो सकते थे। और ये पट्टे वाला हेडशॉट देते हुए बहुत ही ओपी सा कागुया, इन्होंने खत्म कर दिया है बंदों को। कई और देखते हैं गाइस क्या चल रहा है फिलहाल के, तो मेरे को लग रहा है कि FSM के बंदों ने पेलना चालू कर दिया है बंदों को। हेडशॉट यहाँ पे नॉक पड़े, TRC के रॉय यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये तो उल्टा चीज चल रहे हैं। ट्रायलून भी यहाँ पे आ गए हैं, लीजन अकेले बाकी है, लीजन को मारना ही पड़ेगा इनको। लीजन अकेले बाकी है यहाँ पे, FSM के हेडशॉट नॉक पड़े हैं। लीजन वर्सेस रॉय हो गया है, इन्होंने खत्म कर दिया यहाँ पे लीजन को भी। तो FSM के दोनों बंदे यहाँ पे मरते हुए, ऑन टॉप के बंदों ने फाइट ले लिया, ऑन टॉप के बंदों की भी फाइट चल रही है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए MTF के बंदे भी यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो भाई यहीं पे है द स्पोर्ट्स के लीडर फॉर द विन, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई को यहाँ पे रैप देने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखते हैं पीछे से ऑन टॉप के बंदों ने भी फायर ले लिए है बंदों के ऊपर। थॉर जो है, और ये भाई इनको अटैक करके खत्म करते हुए देवांश ने बहुत ही ओपी सा यहाँ पे नॉक दे दिया है एंड फिनिश ऑफ करते हुए। यहाँ पे 96 बकचोद जो है इनको रैप दिया जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो ऑन टॉप के बंदे पीछे से यहाँ पे डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है द स्पोर्ट के ऊपर। द स्पोर्ट अभी अकेले बाकी, थॉर के पास में ओपन एरिया, थॉर मार सकते हैं पर नहीं, देवांश अंदर घुस गए हैं। पीछे से वॉर के बंदे भी आ गए हैं, शायद से यहाँ पे तकलीफ में आ जाएंगे बंदे, शायद से यहाँ पे हर जगह से। वॉर के चोमू ने यहाँ पे ऑन टॉप के बंदों को बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे दे दिया। चोमू इज ओपी गाइस, बहुत ही ओपी से नॉक निकाल रहा है चोमू। देखते हैं क्या करने वाला है चोमू, क्या ये वापस से नॉक निकाल पाएगा। ओ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ट्रिगर को देख लेते हैं। ट्रिगर फिलहाल के लिए यहाँ पे लेके आ चुके, क्या ये गाड़ी से गिरा पाएंगे। ट्रिगर भी यहाँ पे भाई अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं विद कार 98 एंड ऑल्सो एन M4 का ये जो बहुत ही ओपी सा लोडआउट लेके जा रहे हैं। ट्रिगर यहाँ पे देख रहे हैं बंदों को, देखने की कोशिश, ढूंढने की कोशिश की जा रही है बाय ट्रिगर। देखते हैं क्या होने वाला है। ओ हाइपर आर्स ने DMR के शॉक्स को मार दिया। भाई DMR की टीम अभी तक जिंदा है, ओपी गाइस। DMR की टीम नहीं मरी है, DMR के बंदे नॉक हुए थे, DMR के बंदे नहीं मरे हैं। एक बंदा नॉक जरूर हुआ है पर भाई BMBR के बंदों ने ऑम ले लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। आरिश जो है बंदों को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आरिश यहाँ पे ओपी सा यहाँ पे नॉक दे के बैठ चुके हैं 762 विथ एन ऑम। बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे लोड आउट लेके, अच्छा खासा लोड आउट एक्चुअली अगर देखा जाए तो। टीम नंबर 19 के ऊपर भी अटैक हो सकता है, देखते हैं क्या होने वाला है। प्लॉट नंबर 19 प्लीज। ओके यस ऑफकोर्स ब्रदर। ओ बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे आरिश का आता हुआ CPR 5 को भाई सीधा सर के ऊपर, इनका भाई सर ही फोड़ दिया भाई, वाटरमेलन की तरफ फूट गया इनका सर। देखते हैं यहाँ पे अभी दूसरा बंदा क्या करने वाला है। भाई तरबूज की तरफ फोड़ दिया भाई बंदे का सर, और क्या ये दूसरे बंदे को मार पाएंगे। आरिश क्या दूसरे बंदे को मार पाएंगे जी ने, भाई दोनों तरफ से यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। वही भी वॉर के बंदों ने भी पेलना चालू कर दिया है, मे भी वॉर के बंदों ने यहाँ पे रश मार दिया है, अंदर घुस गए हैं वॉर के बंदे एंड अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई ये तो पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर के बंदे है तो है कहाँ पे गाइस, मेरे को लग रहा है कि वॉर के बंदे यार भाई मर चुके हैं, मेरे को लग रहा है ऑन टॉप के साथ में फाइट देख। बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे निकालते हुए, देखते हैं यहाँ पे नारुतो क्या करते हैं। फिलहाल नारुतो के पास में भी M24 है तो ये भी बचाने वालों में से नहीं है, ये लोग तो भाई हिट करने वालों में से है। देखते हैं यहाँ पे क्या कचोरी यहाँ पे टैप टैप देने की कोशिश कर रहे हैं। बाजू में अगर देखा जाए तो भाई टारगेट स्पोर्ट भी आ रही है। वॉर के बंदे अभी तक मरे हुए नहीं है, वॉर के बंदे अभी तक जिंदा है। शो डोप यस ऑफकोर्स शॉर्ट ऑन iPhone हाई जूस हेलो ब्रो क्या हाल चाल। स्लॉट नंबर 19 को दिखाते हैं, चलो
स्लॉट नंबर 19 भाई यहाँ पे खेल रहे हैं द अनबीटेबल्स एंड भाई ये लोग खेलने की कोशिश में है। कचोरी ओपी भी है, नरूटो भी है, सीपीआर 65 एंड निंजा। देखते हैं यहाँ पे गड़का में अच्छा खासा यहाँ पे कंपाउंड्स पकड़ लिया इन्होंने और भाई बूम बाम करने का सोच रहे हैं फिलहाल के लिए। भाई वॉर के बंदे दे आर नाउ फाइटिंग विद टीम एमटीएफ। देखते हैं यहाँ पे क्या है, चोमू यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं भाई नेट के साथ में, नेट डाल दिया है बंदों को यहाँ पे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चोमू ऑन द लेफ्ट साइड और यहाँ से अटैक करने की कोशिश करने वाले, अंदर घुस चुके हैं स्मोक डाल के, हॉक भी वहीं पे वेट कर रहे हैं एंड ये भाई बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये खत्म करते हुए भाई टीम MTF को वॉर के बंदों के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बंदे आराम से वेट कर रहे हैं, मस्त मजे ले रहे हैं। वॉर के बंदे यहाँ पे लूटेंगे और बाद में अटैक करेंगे। लूजर नरूटो के पास है बहुत ही ओपीसी गन, स्टार के बंदों ने यहाँ पे नॉक निकाल लिए है। यगमास्टर को यहाँ पे नॉक देते हुए यगमास्टर को फिनिश ऑफ कर दिया गया है। तो गाइस जोन ने एक अच्छा खासा शिफ्ट ले लिया है तो एफएसएम के यश जो है वो धीरे धीरे आ रहे हैं जोन के अंदर। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। एफटीएफ के बंदे भी जोन में आ रहे हैं, वहीं पे ऑन टॉप के बंदे फाइट लेने के चालू हो चुके हैं भाई। और ये भाई और ये तो उल्टा हो चुका है, वॉर के बंदों ने फाइट लेना चालू कर दिया। वॉर के ट्रिगर अगेन विद एन कार, वो सामने से भी यहाँ पे M4 आ रही है गाइस। या ये गाइस बताओ ये कौन सी गन है, आप लोग क्या लगता है ये वाली कौन सी गन है, इज इट एन M24 और इज इट एन कार 98। ओ भाई ये लोग किसको मार रहे हैं भाई, बम बम बूम बम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है वॉर के बंदों के ऊपर ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। म्यूजिक चालू है, ओ माय बैड गाइस म्यूजिक चालू रह गया भाई, टट्टी हम तो टट्टी है। ओके इंस्पायर के बंदे भी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मे बी यहाँ पे दोनों मिडेबल्स को अटैक कर से। आई पर आरिस ने ओपी सा नॉक निकाल लिया है ऑन टॉप के बंदों का, बहुत ही ओपी सा नॉक निकाल लिया। वहीं पे डीएमआर के बंदों ने भी फाइट ले लिया है। देखते हैं यहाँ पे डीएमआर के बंदों को के पास में जाके एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है इनका। डीएमआर के बंदे ब्रो वेर इज डीएमआर, अबे अभी तो यही थी कहाँ पे गई, अच्छा फोर डॉट्स। ओ ये तो टीम खत्म हो गई है शायद से डीएमआर की, येस ऑफकोर्स गाइस यहाँ पे डीएमआर की टीम खत्म हो चुकी है। एक नॉक निकाल लिया था पर दूसरा बंदे ने यहाँ पे फेल दिया, फोर डॉट्स के बंदों ने यहाँ पे खत्म कर दिया टीम डीएमआर को। एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हाइपर को देखा जाए तो भाई ये बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से फेल रहा है। देखते हैं विद एन ओम भाई, इसके पास में ओम है भाई, ये सिर्फ सर फोड़ने में लगा पड़ा है। ऑन टॉप के बंदे इसके सामने जरूर है, ये अच्छा खासा यहाँ पे फेलते हुए। देखते हैं क्या सीन होने वाला है। फिलहाल बायोनिक लेटे हुए, बायोनिक को पता है भाई सर निकला तो सर फूटेगा पक्का। तो भाई ये बंदा एक एक करके भाई पोजीशन चेंज करके मार रहा है भाई, क्या ही भाई ओपी स्नाइपर। बी शोपी ने शकुनी को यहाँ पे फेल दिया है, अकेला बंदा जेमित में भी फाइटिंग विद इन अदर गाय विच शिप की टट्टी। देखते हैं यहाँ पे क्या है, नेस्टी को भी यहाँ पे नॉक दिला दिया है तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि तीनों के तीनों बंदे नॉक हो पड़े हैं। खत्म कर दिया है बंदों को F2F के बंदों ने, अकेला बंदा यहाँ पे चिपकी टट्टी वर्सेस मेरे को लग रहा है जेमिट होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली सीन क्या चलने वाला है, जेमिट ने अपनी हेल्थ लगा ली है। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। म्यूजिक तो ऑफ कर दो ब्रो, कर दिया ब्रो। जेमिट यहाँ पे अकेले बाकी है शायद से, हम लोग को लग रहा है, हमें लग रहा है एग्जैक्टली नहीं भाई, चारों के चारों बंदे और चिपकी टट्टी के ऊपर ऑलमोस्ट स्प्रे देते हुए इनको फिनिश ऑफ करते हुए पूरी टीम को लेके जाने वाले थे भाई। चिपकी टट्टी अकेला हो यहाँ पे टीम GNR का बाकी था, बट टीम GNR स्पोर्ट्स यहाँ पे बचते हुए। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इनके साथ में। चिपकी टट्टी ने वापस से अपनी हेल्थ लगा लिया, वहीं पर GNR के कर्मा को अच्छा खासा नॉक यहाँ पे देते हुए टीम ईस्टार। भाई ईस्टार काफी गई, ओ स्टार इनको जोन में नहीं आने दे रही है, इनको पुश ऑफ किया जा रहा है, उनको पीछे हटाया जा रहा है टीम GNR। ओ भाई बंदे इनके सामने, हाइपर यहाँ पे नॉक पड़े हैं, दो बंदे यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया है यहाँ पे टीम स्टार ने टीम बॉम्बर को। अब इनके पास में आ चुकी है ओम भाई, ये तो फ्री की ओम मिल गई इनको, बहुत ही मस्त यहाँ पे बंदों को मार के आराम से ओम ले ली। इसको बोलते हैं भाई ड्रॉप उठने की जरूरत ही नहीं है, इनके पास में आ गई है ओम। देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। पीछे में वॉर के बंदे में भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पट्टू वाला स्टार के ऊपर ही इनकी नजर है, ससुके के ऊपर। ओ बाजू से यहाँ पे इनके ऊपर भाई फायर आ चुका है एंड वॉर के ट्रिगर ने एक नॉक दे दिया है टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे का। खलनायक यहाँ पे नॉक पड़े हैं, मे भी यहाँ पे अटैक करने वाले ऑन टारगेट स्पोर्ट। देखते हैं एग्जैक्टली सीन क्या चलने वाला है। FSM के लक्ष्य यहाँ पे आ गए हैं, यश भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यश उतर चुके हैं, प्रीबॉट ने यहाँ पे मार दिया है। ऑन टॉप के बंदे यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टीनर 21, क्या ये अटैक इनका कामयाब होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे इनका अटैक मेरे को लग रहा है कि इतना कामयाब नहीं होने वाला है, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है शायद से।
वॉर के बंदे ऊपर जा चुके हैं, वॉर के बंदों ने यहाँ पे अपने दोस्त के लिए स्मोक डाल दिया है, देखते हैं इनका क्रोनोस नॉक पड़ा है, इसको रैप देना पड़ेगा। चोमू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फोर डॉट के बंदे ने यहाँ पे फाइट लेने चालू कर दिया, फोर डॉट के बंदे यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टॉप के बंदे के ऊपर, एंड तमाचा अकेला है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए टिनटिन यहाँ पे भी मारने की कोशिश करने वाले, टिनटिन है तो है कहाँ पे भाई, टिनटिन तो इनके बाजू में ही है, देखते हैं यहाँ पे दोनों बंदे नेट डाल रहे हैं, बहुत ही ऊपर से नॉक यहाँ पे निकाल लिया टिनटिन के नेट ने, एक और नेट डालने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टॉप के निशान को, यहाँ पर रैप देना पड़ेगा टोक्यो को, वही पे बयाने के यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके नेट डाल रहे हैं स्मोक के अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तमाचा धीरे 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 फॉल इन कर रहा है, धीरे धीरे फॉल बैक कर रहा है, ओ ये ओपी सा नेट जाएगा भाई, क्या ये नॉक निकाल पाएगा, जी नहीं ऑलमोस्ट बाजू से यहाँ पे अटैक हो चुका है भाई, टारगेट स्पोर्ट भाई सपोर्ट टारगेट कर रही है, कचोरी को यहाँ पे नॉक दिला जाए, राइडन यहाँ पे नॉक पड़े हैं, ठीक है कार्तिक वही पे नरूटो को खत्म लेके जाते हुए बंदे, बाजू से अटैक चल रहा है, हर जगह पे अटैक चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। हेल्प बॉय यहाँ पे अंदर घुस रहे बंदों को मारने की कोशिश, एफ टू एफ के ऊपर अटैक करते हुए टीम स्टार, एंड ये एफ टू एफ को खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए टीम हेल्प बॉय, वही पे भाई यहाँ पे फाइट चल रहा है टी ई के बंदों के, और स्टार के विजन को देख लिया है, मेलेट्रॉन ने पर मारने वाले नहीं है, अंदर घुसने के बाद में ही मारेंगे मेलेट्रॉन, मेरे को लग रहा है शायद से। फिलहाल के लिए यहाँ पे मस्त मजे लूट रहे हैं, बंदे आ रहे हैं इनके पीछे से, एक बंदा घूम के जाता हुआ शायद से, वो मेरे को लग रहा है कि भाई ऑन टॉप का बंदा था या वो ये वॉर के बंदे थे गाइस, वॉर के बंदे यहाँ पे और आराम से जोन में जा रहे हैं। छोमू एंड क्रोनोस ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन लेने की कोशिश कर ली है, अंदर घुस गए हैं, पट वाला हेडशॉट यहाँ पे स्टार के डायमंड ने, और भाई बंदे को शांत करा दिया भाई, मेलेट्रॉन को यहाँ पे शांत करा दिया, मेलेट्रॉन यहाँ पे भाई पटापट पटापट कर रहे थे, मेलेट्रॉन को शांत करा दिया, डेमन यहाँ पे पेलने की कोशिश कर रहे हैं, और भाई ये बंदे भाई अंदर से ही पेल रहे हैं, जीएनआर के बंदे बाहर है, डोप यही पे, डोप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टीआरसी के बंदे इनके नजदीक में, क्या होने वाला है, डोप के साथ में गाड़ी फूट गई ऑलमोस्ट यहाँ पे, डोप की गाड़ी फूट के भाई डोप बचने वाला है कि नहीं, बच चुके हैं यहाँ पे डोप, पीछे से टीम डीआरआर भी इनको पेलने की कोशिश कर रही है, देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए अभी फाइट चल रहा है ट्राई लून वर्सेस टीआरसी वर्सेस टीम जीएनआर ऑफिशियल, वॉर के बंदे अभी मारने की कोशिश कर रहे हैं, डोप यहाँ पे भाई अपना स्मोक डाल के लेट चुके, जोन का कवर पकड़ लिया है, इंस्पायर के बंदे यहाँ पे भाई पीछे में कंपाउंड होल्ड करके बैठे हैं, और भाई टीई टागर स्पोर्ट्स के बंदे फोर डॉट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, तमाचा यहाँ पे अकेले तमाचा उतर चुके, एंड फिनिश ऑफ करते हुए तमाचा को, ऑन टॉप के बंदे भाई धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, भाई यहाँ पे नॉक पड़े हैं, वॉर के बंदे यहाँ पे टपाटप देने की कोशिश कर रहे हैं विथ डीपी, गैसली के ऊपर शायद से अटैक हो चुका है, गैसली यहाँ पे बच जाते हैं भाई स्मोक से, वॉर क्रोनोस ने यहाँ पे पायरो को गिरा दिया है, वॉर के बंदे यहाँ पे इनको हिट देते हुए टीम जीएनआर ऑफिशियल के ऊपर, डोप यहाँ पे ऑलमोस्ट बचते हुए, गैसली यहाँ पे बच गए स्टोन के कवर में, इंस्पायर एस की टीम भाई ओपीसी यहाँ पे भाई होल्ड कर रही है, बंदों को सिर्फ पेल रही है, टागरेट स्पोर्ट्स ने भी एक अच्छा खासा डाउनेज पकड़ लिया है, एक और यहाँ पे नॉक देते हुए पायरो का वापस से यहाँ पे नॉक दे दिया है, एंड ये खत्म कर दिया मेरे को लग रहा है कि डोप को, वही पे भाई ऑन टॉप के बंदे भाई ऑन टॉप बंदे भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोनोस ने यहाँ पे शॉन को खत्म कर दिया है, विजन ने यहाँ पे एक और बंदे को ले लिया टाकर स्पोर्ट्स के सामने अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हेलबॉय यहाँ पे भाग रहे हैं भाई, वॉर के बंदों का भी जोन में जाना है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, यहाँ पे हेलबॉय जोन में आके लेट गए हैं, हेलबॉय को लेटना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, टी के बंदे अभी तक जिंदा है, इंस्पायर के बंदे धीरे धीरे यहाँ पे पुशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, रिच लेने की कोशिश कर रहे हैं, हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे मे भी इनको हाई ग्राउंड मिलेगा नहीं वो पता नहीं, विजन यहाँ पे नॉक पड़े, टोक्यो यहाँ पे मर चुके हैं, बाजू में टीआरसी के बंदे अटैक कर रहे हैं भाई वॉर के बंदों के ऊपर, ऑल्सो ऑन टीम जीएनआर ऑफिशियल्स के, भाई गैसली अकेले जिंदा जो है उनके ऊपर, ये गैसली को यहाँ पे पिक ऑफ कर दिया है, वॉर के बंदे यहाँ पे आगे आते हुए, वॉर वर्सेस टीआरसी होने वाला है, एंड मे बी यहाँ पे अटैक के ऊपर आने वाले, एक बंदे को यहाँ पे नॉक, ट्रायलोन अकेले जिंदा है, ट्रायलोन यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रायलोन यहाँ पे लेट चुके हैं, ट्रायलोन अकेले क्या करने वाले हैं बंदे के ऊपर, पीछे से यहाँ पे इनके ऊपर भी अटैक आ रहा है, वॉर के क्रोनोस यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ट्रायलोन को देख लिया यहाँ पे एंड फिनिश ऑफ कर दिया, जी नहीं वॉर के क्रोनोस को यहाँ पे नॉक देते हुए ट्रायलोन, ट्रायलोन ने यहाँ पे वॉर के क्रोनोस को नॉक दे दिया एंड वापस से नेट डालने की कोशिश की जा रही है, ट्रायलोन की हेल्प वापस से ट्रायलोन को मारनी पड़ेगी, इंस्पायर के बंदे नीचे ही है, एक डाउन अच्छा खासा एडवांटेज इनके पास में, फिलहाल रिजिस के एडवांटेज लेते हुए ट्रायलून आगे बढ़ रहा है, ट्रायलून इज गोइंग फॉर इट एंड चोमू को से ट्रायलून होने वाला है, ये खत्म करते हुए वॉर की टीम को, ट्रायलून ने बहुत ही ओपी था यहाँ पे दिमाग चला लिया है एंड ये खत्म कर दिया, इंस्पायर के बंदे नीचे में, ट्रायलून के पास में हाई ग्राउंड, ट्रायलून को आगे बढ़ना पड़ेगा, इंस्पायर की टीम इनके बीच में हो सकती है, रास्ते के बीच में हो सकती है, देखते हैं वही पे टीम स्टार भी धीरे धीरे जोन में आने की कोशिश कर रही है, टारगेट स्पोर्ट्स भाई पीछे पीछे एजेस के पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं,
डोप डेड, जी हाँ डोप मर चुके मेरे भाई। और यहाँ पे टागर स्पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक के पीछे एक स्मोक डाले जा रहे हैं, अपना स्मोक पाथ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पाथ को यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा खासा यहाँ पे कवर लेने की कोशिश। हेल बॉय को नॉक दे दिया, डेमन अकेले बाकी है, टागर स्पोर्ट के बंदे भाई सबको तीनों मिलके पेल रहे भाई। ये बंदे ने डाल दिया है डेमन का, यहाँ पे ओपी सा नेट यहाँ पे आता हुआ फिलहाल के, डेमन भी यहाँ पे इनको पुश बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे खलनायक जा रहे हैं आगे नेट डालने की कोशिश, ये नेट डाल दिया है पर बंदे नॉक नहीं हो रहे भाई, बंदा नॉक नहीं हो रहा है। तीन टारगेट स्पोर्ट यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं, खलनायक जो आगे आ चुके थे इनको नॉक दे दिया है। वहीं पे टीम इंस्पायर के बंदे अटैक कर रहे हैं, ट्रायल उनको यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए हिलियोस। इंस्पायर के चारों बंदे जिंदा है, इनको अभी आगे बढ़ना है और इनको पता है कि ये लोग जोन में है, ये लोग ने जोन पकड़ लिया है, ऊपर वाला रेजिट पकड़ लिया है। हिलियोस अभी आगे बढ़ रहे हैं वर्सेस डेमोन, देखते हैं यहाँ पे डेमोन लेट चुके एंड फिनिश ऑफ करते हुए डेमोन को। टीम टारगेट स्पोर्ट्स बुक के कवर में कार्तिक यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, कार्तिक को नॉक दिया, कार्तिक लेट के यहाँ पे कर रहे थे कुछ, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जम करके लेट कर लिया पर लेट के नहीं मार पाए। रायदन अकेले बाकी है, रायदन तो भाई जोन के बाहर हिल बैटल कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे रायदन कितनी देर तक बचने वाले। पांच हेलकेट इनके पास में है, चारों के चारों बंदे यहां पे हैं, देखते हैं फिलहाल के लिए क्या होने वाला है राइजन के साथ में। और मे बी यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ पे नेट डाल रहे हैं टीम इंस्पायर एक्स, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। एंड ये मैच खत्म होते हुए बंदा मर चुका है, इंस्पायर एक्स की टीम यहाँ पे भाई जोन को डोमिनेट करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी एंड भाई फिनिश ऑफ करती हुई टीम टी के बंदों को। टी के बंदों ने भी बहुत ही अच्छा कोशिश किया पर इनके पास में जोन नहीं था और हायर एडवांटेज वाज विद टीम इंस्पायर एक्स, तो यहाँ पे चिकन लेके जाते हैं टीम इंस्पायर एक्स स्पोर्ट्स। बहुत ही ओपी सा यहाँ पे गेम प्ले का इस बंदे दिखाते हुए थोड़ी देर के लिए गाइस हम लोग को वेट करना पड़ेगा, अभी जाने वाला है सेकंड वाला आईडी पास, तो तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन जो भी है आप लोग पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव कम अप विद अ चैलेंज फॉर ऑल द T3 एंड द T2 गाइस, अगर आप लोग को खेलना है तो T3 का चैलेंज पहले बता देता हूँ गाइस। अगर आप लोग देख रहे हैं तो T3 का चैलेंज मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है T2 खेलने में और आप लोगों को प्रमोशन, आप लोगों को लग रहा है कि आपके प्रमोशन के लिए बहुत ही टाइम लग रहा है, एड मी रॉजवेल्ट। हाँ रॉजवेल्ट ऐड करेंगे ना, ऑफकोर्स ब्रो। ये जो आईडी है इसके ऊपर तुम भेज नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज आर प्रॉपर GNR स्पोर्ट्स का आईडी, जो हमारा आईडी है उसके ऊपर भेज दो, मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। ओके तो गाइस जितने भी बंदे T3 के हैं आप लोगों को एक चैलेंज है, हमारे कस्टम्स में खेलो विच इज एट 3 o'clock 4 o'clock एंड 5 o'clock रोज दोपहर को होते हैं। एंड इसके बाद में ये सीन होता है कि आप लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना है, द चैलेंज विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो 5 दिन का चैलेंज है, उसके अंदर आपको 3 चिकन डिनर लाना है, एक चिकन डिनर काउंट होगा एक दिन का। तो फॉर एग्जांपल आपने 3 o'clock में लेके आए एंड 5 o'clock में लेके आए एक दिन में, तो वो उसमें से एक ही चिकन डिनर काउंट होगा। तो टोटल 3 चिकन डिनर्स इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज, 5 दिन के अंदर 3 चिकन डिनर लेके आना है, तो आपको T2 का 1 वीक का स्लॉट मिलेगा फॉर T3। मैं ये बोल रहा हूँ कि T3 के बंदों को T2 का स्लॉट मिलेगा 1 वीक के लिए। एंड अगर वो 1 वीक के अंदर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड वो 1 वीक के अंदर भी आप सेम खेले, बहुत ही ओपी से खेले और 3 चिकन डिनर लेके आए 5 दिन के अंदर, तो आपको T2 का स्लॉट परमानेंट हो जाएगा, फिर बाद में आप लोग बुक कर सकते हैं आराम से T2 के स्लॉट्स। ओके एंड द सेम इज विद T2 के बंदे। T2 का हमारा होता है टाइमिंग इज 1 o'clock एंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून, आप लोग वो टाइम पे खेल सकते हैं। एंड उसके बाद में सेम चैलेंज है मंडे टू फ्राइडे का चैलेंज, 3 चिकन डिनर लेके आओ 5 दिन के अंदर, 1 चिकन डिनर काउंटेड पर डे। एंड ये ऑफकोर्स हमें टैग करना है आपको इंस्टाग्राम के ऊपर या डिस्कॉर्ड में हमें मैसेज करना है या हमें व्हाट्सएप के ऊपर DM करना है, वॉट एवर इट इज, बट प्रूफ आपको सेंड करने है। ऑल्सो आपके अगर 2 लाइनअप खेलेंगे तो आपको पहले बोलना है कि कौन सा लाइनअप के ऊपर हम लोग नजर रखें, कौन सा लाइनअप को हम लोग देखें, ताकि आप लोग हम लोग प्रमोट कर पाए क्योंकि भाई आपका एक लाइनअप खेलेगा वो चिकन डिनर लेके आएगा, आप दोनों दो दो लाइनअप खिलाते रहेंगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस। तो गाइस यही है T2 के बंदों को मिलने वाला है हमारा 10 एंड 11 o'clock का जो इलाइट क्रीम्स है, ये जो अभी आप हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसका स्लॉट मिलेगा T2 के बंदों को। तो गाइस एवरीबॉडी स्टे ट्यून, T2 के बंदों को यहाँ पे अगर खेलना है तो भाई खेलो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, 3 चिकन डिनर लेके आओ 5 दिन के अंदर, और आपको हम T1 का 1 वीक का स्लॉट फॉर 10 o'clock एंड 11 o'clock बुक कर देंगे फुल बूम बा। ये भी ठीक है इंस्पायर ओपी भाई, बूम बा प्रतीक चहर ओपी करे भाई। T2 टाइमिंग सोनम गुप्ता, T2 टाइमिंग्स आर 1 o'clock एंड 2 o'clock इन द आफ्टरनून, कैन यू टेक माई नेम इन पबजी, कैन यू टेक माई नेम इन पबजी। रॉजर्ट में समझा नहीं बाबा, आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, पबजी के अंदर तो आपका नाम तो लेते हूँ मैं रॉजवेल्ट करके।
ओके तो गाइस आई होप कि आप सब लोगों को मालूम पड़ चुका है एग्जैक्टली हमारा चैलेंज क्या है अगर आप लोगों को जीएनआर स्पोर्ट्स के स्किल्स खेलने हैं तो. ऑल्सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज आने वाला है, वी आर इन टॉक्स विद समबडी. तो गाइस अगर आपको वो चाहिए तो गाइस कॉम्पिटिशन दिखाओ. वो बंदा देख रहा है, वो बंदा हमारे स्क्रीम्स देख रहा है, तो कॉम्पिटिशन दिखाओ जितना हो सकता है भाई, तगड़ा कॉम्पिटिशन दिखाओ. एक बहुत ही ओपी सा ऑफर हम लोग लेके आने वाले हैं, एक बहुत ही ओपी सा एक स्क्रीम का एनवायरनमेंट हम लोग बनाने वाले हैं. तो जो बंदा दिख रहा है, देख रहा है, जो हमारा स्पॉन्सर देख रहा है, उसको भाई बताओ कि गाइज यू ऑल एक्चुअली डिजर्व टू बी इन अ वेरी गुड लॉबी. तभी तो भाई ये लोग बूम बाम करेंगे भाई, तभी तो ये लोग स्पॉन्सर करेंगे. क्या बोलती पब्लिक? तो गाइज आज के बाद जितने मैच होने वाले हैं उसका लेवल और ऊपर होना चाहिए, फुल बूम बाम होना चाहिए, तभी वो जो हमारे स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर करने के रेडी हो जाएंगे. एंड वो कोई ऐरा गैरा स्पॉन्सर नहीं है, वो एक अच्छा खासा स्पॉन्सर है. ऑफकोर्स अगर वो बंदा पे कर रहा है तो यस द स्लॉट्स विल बी पेड, बट उसमें से हम ट्राई करेंगे कि एक स्लॉट फ्री भी रहेगा ताकि आप लोगों को एक चांस मिले टीम्स को. ऑल्सो एक और लॉबी है, एक और अच्छी खासी लॉबी है एकदम तगड़ी वाली, तो उसको भी खिलाने का हम सोच रहे हैं. देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है गाइस. तब तक के लिए गाइस एकदम आई लव यू यार. भाई भाइयों यार क्या ही खेलते हो, बहुत ही ओपी खेलते हो. स्टैंडर्ड और थोड़ा बढ़ना चाहिए और बूमबाम होना चाहिए. सब लोग ऐसे ही हमारा स्क्रीम्स को अटेंड करते रहिए और साथ साथ में बूमबाम करते रहिए. एंड ऑल्सो वी आर सर्चिंग फॉर अ स्ट्रीमर, अगर कोई है तो गाइस जरूर बताना. फॉर 1 o'clock, 2 o'clock, 3, 4 एंड 5 o'clock के लिए हम लोग स्ट्रीमर एक ढूंढ रहे हैं. आप अपने YouTube के ऊपर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. वी जस्ट नीड अ स्ट्रीमर हु कैन स्ट्रीम फॉर आर गाइस, बिकॉज हमारे बंदों को यार स्ट्रीमर चाहिए. उनको उनकी गलतियां कहाँ पे हो रही है वो देखना है. तो अगर आप कर सकते हो स्ट्रीमिंग तो जरूर हमें बताना, इससे आपको भी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे. ऑल्सो ऑफकोर्स एज वेल एज हमें भी अच्छा होगा स्ट्रीमिंग के लिए. इन विच फोन डू यू प्ले? आई प्ले इन iPhone 11 प्रो. iPhone 11 में खेलते हैं हम. ओके तो गाइस जिनको भी T2 एंड T3 अटेंड करना है, T3 हमारा होता है डिस्कॉर्ड के ऊपर एंड T2 हमारा होता है व्हाट्सएप के ऊपर. हमारा नंबर दिया है नीचे में 9960731016, उसके ऊपर कांटेक्ट करिए. ये ओवरले के ऊपर भी आपको नंबर दिख जाएगा. एंड कांटेक्ट करके ज़रूर हमें बताना कि आपको कौन से स्क्रीम्स खेलने हैं, T2, T3 और T1 इफ़ यू हैव अचीवमेंट्स. T2 में भी हमें अचीवमेंट लगते हैं तभी हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उसके बिना हम लोग ऐड नहीं कर सकते. एंड दी अचीवमेंट्स आर यू शुड बी ऑफिशियल टूर्नामेंट क्वालिफायर. T3 का खेलने का कोई अचीवमेंट नहीं है, आप लोग आ सकते हैं. यू गाइस कैन ग्राइंड एंड ग्राइंड करके आपको T2 में स्लॉट मिलेगा फॉर अ वीक. एंड आपकी टीम और अच्छी है, टीम चिकनी वापस से लेके आ रही है इन अ वीक. तो भाइयों फुल एकदम तगड़ा बूमबाम होने वाला है. फिर आपको तो T2 का स्लॉट यार यू गाइस डिजर्व इट. ऑल्दो यू डोंट हैव द अचीवमेंट बट यू गाइस डिजर्व इट, क्योंकि आप लोग उतने लेवल के खेलते हैं, वो लेवल पे खेलते हैं. तो गाइस अभी हम दे रहे हैं आईडी पासवर्ड, जरा बी राइट बैक का यहाँ पे बैनर लगा देते हैं, बिकॉज बी राइट बैक नहीं लगेगा तो भाई आईडी पासवर्ड हो जाएगा लीक. एंड आपको हमारा कास्टिंग पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो. फुल बूम बाम होने वाला है थोड़ी दिन के बाद में. तब तक के लिए गाइस आइएगा वापस, 11:05 पे हमारा वापस से मैच चालू होने वाला है. रोज मारते हैं फिर भी आते हैं ड्रॉप. भाई विजन ब्रो उनका ड्रॉप है, उन लोग का प्रैक्टिस चल रहा है, मालूम पड़ा एक दिन तुम लोग को पेल दिया है ना. वो तो भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. उसी को तो बोलते हैं भाई ग्राइंड एंड नेवर गिव अप. तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड बन चुका है गाइस, हम अब यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं आईडी पासवर्ड बंदों के पास में. देखते हैं यहाँ पे भाई क्या
गाइस वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। गाइस 10 मिनट पानी पी के आता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद में भाई अपने को करने का है फुल बूम बाम।
गाइस आई एम बैक अगेन। देखते हैं बंदे क्या बोल रहे हैं। भाई एक ही बंदा बोला हेलो ज़ूस भाई। हेलो वंश मेरे भाई क्या हालचाल। बंदे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। स्लॉट नंबर 25 में यहाँ पे आके बैठते हैं GNR ब्लीच। नेक्स्ट की लाइनअप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है 24-25 यहाँ पे खाली है। देखते हैं यहाँ पे कोई आ रहा है कि नहीं। स्टार फुल फॉर्म बंदे, अरे फुल फॉर्म में है भाई, फुल फॉर्म में। हेलो ज्यूस आपका क्या हालचाल। हेलो मिसेस शैडो ज्यूस मेरा एकदम मस्त हालचाल। शादी कब कर रहा कौन मैं भाई, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है ब्रो। ऑलराइट स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं। बच्चे कितने हैं ब्रो, अभी तक तो बच्चे नहीं हुए। अरे अभी अभी शादी हुई है भाई, बच्चे होंगे तो सबको मालूम पड़ेगा। हम लोग यही पे भाई स्ट्रीम के ऊपर बोल देंगे भाई, मेरे को बच्चा हुआ, मेरे को बेटी हुई, मेरे को बेटा हुआ, जो भी। ऑन टॉप के बंदों को फिलहाल के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। बायोनिक टोक्यो प्रफुल स्पार्क भी यहाँ पे खेल रहे हैं आज ऑन टॉप में से। निशांत नहीं खेल रहे शायद से, प्रफुल आ गए खेलने के लिए। ना हो पाएगा कुछ नहीं। विजन मेरे भाई सुना दो विजन। तो गाइस यहाँ पे फ्लाइट पाथ आ चुका है लॉस एंजेलिस से लेके यहाँ पे क्रेटर फील्ड्स तक है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। रैंगल में फर्स्ट आए हम लोग, ये सारी रैंगल में फर्स्ट। तो गाइस जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे पेलने की कोशिश में है। देखते हैं ऑन टॉप के बंदे कहाँ पे उतरने वाले, और नॉर्मली ये लोग जहाँ पे जाते हैं वहीं पे जाने वाले, जो की है मिनास दैल सूर। देखते हैं क्या सीन होने वाला है इन लोगों का। दोस्त भाई इग्नोर, अरे ब्रो मैं बोला तो वंश मेरे भाई आपको बोला तो, रिप्लाई तो किया आपने बीरो कि नहीं आते स्टार मेरे भाई बता दो। 14 किल्स थर्ड। हाँ तो भाई अभी पॉइंटेबल थोड़ी चल रहा है, विजन नॉर्मल चल रहा है ब्रो मैच, फुल बूमबाम वाला। देखते हैं यहाँ पे बंदे क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ऑन टॉप के बंदे आराम से ग्लाइड करते हुए जाते दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पे जीएनआर के बंदे भी सेम ही जगह पे जा रहे हैं, जो कि है क्यूमा केरा में। भाई दो टीम्स यहाँ पे जीएनआर की उतर रही है, उन्हीं के साथ में यहाँ पे मैं भी उतर रही है। F2F की टीम भी, FSM की टीम जो है लॉस एंजेलिस में उतर चुकी है, एंड टीम एनसिंग जो है इम्पाला जाती हुई हमें दिख रही है। और भाई यहाँ पे भाई स्लॉट नंबर 25 में आके बैठ गए थे ब्लीथ, इनको हम लोग देख रहे हैं। ब्लीथ अकेले यहाँ पे 1v4 करने की कोशिश में है, देखते हैं यहाँ पे ब्लीथ क्या करने वाले हैं। ZUX डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रो, ये क्या है डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे ब्रो KOD ब्रो वंश मेरे भाई, लव यू भाई। और जीना के ब्लीड यहाँ पे उतर चुकी है भाई। ये टोपी भाई, ये कौन सी टोपी है भाई, ये जेली की तरह है ये टोपी पहन के जीना के ब्लीड उतर चुके हैं। इनके पास में है भाई कौन सी वाली गन, वो है भाई विंचेस्टर विद 2.5x या ऐसा कुछ है, इन्होंने स्विच कर लिया है टू 0.45 गन, जो कि है UMP 45। और यहाँ पे भाई TE टारगेट स्पोर्ट्स के बंदों ने मारना चालू कर दिया भाई। किधर मार रहे हैं, कौन किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं भाई,
बंदे क्यों मार रहे हैं ब्रो, इतना जल्दी फाइट क्यों ले रहे हैं भाई? पेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे टीआरसी के बंदे ने भी पेल दिया भाई बंदों को। देखते हैं एग्जैक्टली सीन कहाँ पे है भाई, ये तो यहाँ पे चल रहा है। देखते हैं भाई निंजा यहाँ पे नॉक पड़े हैं, रॉय यहाँ पे है। रॉय मेरे को लग रहा है कि इनके पास में बंदूकें नहीं है। जी हाँ बंदूकें मिल चुके हैं एंड रॉय के पास में आ चुकी है भाई एक बहुत ही ओपी सी स्नाइपर, जो कि है भाई एकदम सप्रेस्ड वाली। देखते हैं वॉर के क्रोनोस ने भाई द लीडर को भी पेलना चालू कर दिया, तो वॉर के क्रोनोस की भी फाइट चालू हो चुकी है। देखते हैं भाई सीन्स क्या चल रहे हैं यहाँ पे। टारगेट रिस्पॉन्स के मेटाट्रॉन यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रायलोन यहाँ पे लेट चुके हैं विद एन AKM और इनके पास में भाई पूरा आमर है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्रोन भाई यहाँ पे वेट कर रहे, देख रहे बंदो, और ये जंप करके मारने की कोशिश, खड़े होके मार दिया यहाँ पे भाई बंदे ने, भाई पेल दिया मेरा ड्रोन ने यहाँ पे ट्रायलून को। ट्रायलून डेट गए थे, ट्रायलून मेरा ड्रोन वो सिर्फ रॉय, रॉय की हेल्थ बहुत ही लो, और ये नॉक करते हुए बाजू से यहाँ पे बंदो को सरकार सरकार यहाँ पे नॉक कर रहे हैं भाई के सरकार यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वही तेने AKM का स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे कार्तिक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। के सरकार अंदर घुस गए और ये मारने की कोशिश, ओ भाई बंदे को नॉक, फिनिश करेंगे, फिनिश करेंगे। जी हाँ एल का सरकार यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए एंड पूरी की पूरी टीम यहाँ पे खत्म हो गई है गाइस। तो टीआरसी की टीम यहाँ पे खत्म होती हुई, टागर रिस्पोट अभी तक जिंदा है, टागर रिस्पोट अभी तक भाई एकदम फुल बूम बाम करने के ऊपर उतर चुकी है। वहीं पे देखते हैं भाई ब्लीथ कहाँ पे, DMR के बंदे यहीं पे भाई ऑल पे जाते हैं, ऑल पे जाके ओवरऑल में जाके देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली GNR ब्लीथ कहाँ पे। GNR ब्लीथ तो यहीं पे टारगेटेड स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक करने के लिए भाई ब्लीथ यहाँ पे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं विद मिनी एंड एन M762 लेवल 2 का वेस्ट, लेवल 2 का हेलमेट, बाकी सब बूम बाम करने के लिए। ब्रो स्लॉट लिस्ट क्या है? ब्रो स्लॉट लिस्ट ये है कि चलो आपको स्लॉट लिस्ट बता देते हैं। तो टीम नंबर 3 है ऑन टॉप, 4 इज बी टाउन ऑफिशियल, 5 इज वॉर, 7 इज D2E D23 स्पोर्ट, नॉट D2 एक्चुअली, D23 डिग्री 23, 8 इज इंस्पायर एक्स, 9 इज ईस्टार, 10 इज इवोल्यूशन, उसके बाद में 11 इज एनसिंग, 12 इज DMR, 14 इज द स्पोर्ट्स, 15 इज FTF, और यहाँ पे फाइट होते हुए जाते हैं वॉर के पास में। थोड़ी देर के बाद में आधा स्लॉट लिस्ट भी हम जरूर बताएंगे। देखते हैं यहाँ पे ट्रिगर ने क्या कर लिया भाई, ट्रिगर बंदे को मार रहे शायद से, एनसिंग के बंदे इनके नजदीक में है, एनसिंग के साथ में फाइट ले रहे हैं, नहीं द स्पोर्ट के बंदे के साथ में आरुष के ऊपर यहाँ पे घुसते हुए अंदर। आरुष ने अपनी बैंडेड लगा लिया, आरुष के पास में भाई एक ही गन जो कि है Kar 98, या ये शॉट गन है कौन सी है भाई, नहीं ये तो भाई थॉम्सन है गाइस, ये तो थॉम्सन लेके खेल रहे हैं मस्त। आरुष एकदम बूम बाम करने की कोशिश करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे आरुष कैसे पेलने वाले हैं बंदों को। ओ नहीं हाँ, ओ उसी के साथ में यहाँ पे बंदे को नॉक कर दिया, बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे दे दिया एंड ये लेट के मारने की कोशिश कर रहे थे, पर क्रोनोस ने यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इनका सर ही फोड़ दिया है, नारुश को फिनिश ऑफ करते हुए विद एन AKM पूरा शॉट दे के भाई पेल दिया यहाँ पे क्रोनोस ने। क्रोनोस यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो क्रोनोस यहाँ पे बूम बाम करते हुए भाई बंदे को मार दिया, 2 किल लेके यहाँ पे टीम के किल्स हो गए हैं 4। देखते हैं यहाँ पे कहीं और गाइस बंदे कहाँ कहाँ पे हिट्स करेंगे बंदों को। ओ भाई DMR को देखा तो DMR के नसीब में भाई इंस्पायर एक्स की टीम यहाँ पे आके बैठ गई है, शायद से यहाँ पे आके वेट कर रही है। ओ ये तो इवोल्यूशन है गाइस, इवोल्यूशन की टीम यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करने वाली है DMR के ऊपर, पर DMR का जो नॉर्मल ड्रॉप है वो तो वही भी उतरे, तो इनको एक एक कोना और एक एक चक्का चौन यहाँ पे पता है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या उन्होंने स्प्रे गॉड ने यहाँ पे मॉली अलॉन्ग विद नेट डालने की कोशिश की, पर बंदे नॉक नहीं हो पाए। शोक कर्मा, जी हाँ कर्मा को भी जरूर दिखाएंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे कर्मा के ऊपर भी भाई फोकस लेके आएंगे। निगा आज खेल रहे हैं इवो के साथ से, देखते हैं यहाँ पे प्रीक्वेस्ट भी है एंड निगा अलोंग विद स्टेन ओपी। DMR के बंदे यहाँ पे इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, शॉक्स का यहाँ पे नेट जाता हुआ, क्या है ये बंदे को नॉक कर पाएगा? जी नहीं, नहीं नॉक किया बंदों को भाई, बंदों की हेल्थ लो जरूर हो चुकी है, स्टीएन की यहाँ पे हेल्थ लो हो चुकी है और ये नॉक देते हुए स्टीएन को। ईवो के निगा यहाँ पे इनको रैप देने वाले, प्रीक्वेस्ट यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बंदे को स्पॉट कर लिया, ये स्प्रे मारने की कोशिश कर रहे हैं पर स्प्रे नहीं लग रहा है भाई। ये भाई क्या सीन है भाई, खिड़की तो फूटनी चाहिए भाई बुलेट से ब्रो, पबजी टट्टी गेम साले यहाँ पे भाई इनको भाई मारने की कोशिश कर रहे थे बंदे भाई, टट्टी नहीं मतलब ओके भाई क्या ही ग्लिच भाई बंदे का, भाई पबजी का क्या ही ग्लिच गाइस, क्या ही बोले। ओके तो प्रीक्वेस्ट यहाँ पे है, नेट को कुक कर लिया, प्रीक्वेस्ट यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्रीक्वेस्ट बंदों को यहाँ पे पुश ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, पीछे फॉल बैक कराने के लिए लगा रहे हैं, और ये मिर्जा ने वहां पर कर्मा को पेल दिया। कर्मा को देखा जाए तो यहाँ पे बंदे मर चुके हैं एंड भाई खत्म हो गए भाई, पूरी टीम यहाँ पे खत्म होती हुई, नैश ने गाड़ी फोड़ दी और भाई टीम इंस्पायर एक्स ने बंदे फोड़ दिए।
तो नैसी को यहाँ पे किल्स जरूर मिल चुके हैं। यहाँ पे नैसी अपनी ही एक और टीम को मारने की कोशिश। स्लॉट 19 द अनबीटेबल्स आरएक्सआर गेमिंग भाई ज्यूस का लाइटनिंग दे दिया है भाई ब्रो, क्या हालचाल। ओके स्लॉट नंबर 19 को भी दिखाएंगे गाइस थोड़ी देर में। यहाँ पे देखते हैं स्लॉट नंबर 19 कहाँ पे है, कैसे बूम बाम कर रही है। और देखते हैं यहाँ पे द अनबीटेबल्स को आज खेल रहे हैं भाई जोकाडो जी नूब, जोकाडो जी नूब डॉइस, झोकाडो इज नूब, झोकाडो इज नूब और नरूटो खेल रहे हैं अलॉन्ग विद निंजा। देखते हैं यहाँ पे द अनबीटेबल्स के बंदे कैसे पहलने वाले हैं बंदों को। फिलहाल के मेरे को लग रहा है कि इनके नजदीक में कोई है नहीं, तो इनके पे फोकस बाद में लेके आएंगे। ब्लीथ को देखते हैं, ब्लीथ यहाँ पे अकेले भाई 1v4 के सिचुएशन में फंस गए हैं शायद से। मेरे को लग रहा है ब्लीथ को यहाँ से निकलना पड़ेगा या बंदों को मारना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज। मेराट्रॉन तो भाई बाजू से यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। ओ भाई क्या ये बंदा मारेगा बंदों को। पिलाग्री इनके पास प्रे आ चुका है एंड ब्लीज यहाँ पे लेट चुके हैं। ब्लीज यहाँ पे खत्म होते हुए मेराट्रॉन ने इनको खत्म कर दिया है। और ये भाई बूम बाम वहीं पे भाई पीछे से अटैक कर दिया है बंदे को, डीग्री 23 के ट्रैप गढ़ को नॉक दे दिया है। पर एक और बंदा अभी तक जिंदा है जो कि है गबरू, गबरू यहाँ पे बंदों को पेल रहा है एक एक करके। एक बंदे को नॉक दे दिया है, दूसरा ट्रैप गढ़ जो है इसको रैप मिलने वाला है। दिखा इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। अनबीटेबल्स, अनबीटेबल नहीं ब्रो, क्या बोल रहे हो ब्रो, अभिषेक क्या बोल रहे हो, प्लीज जल्दी दिखाओ हमको, देखो जल्दी दिखाओ। जी हाँ जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे फटाफट। यहाँ पे देखेंगे फिलहाल राइडन यहाँ पे रिपोर्ट के, और ये मारते हुए बंदे को गबरू ने भी अटैक कर लिया है। ट्रैपर को यहाँ पे नॉक दिला दिया है बंदे को, यहाँ पे मारने की कोशिश। राइडन को यहाँ पे बहुत ही ओपी से नॉक देते हुए बहुत ही अच्छे से फेल दिया है बंदे ने, बहुत ही ओपी भाई। नीचे जाके भाई राइट साइड से ऊपर आके डिग्री 23 का बंदा फुल पेल दिया। मेराट्रॉन यहाँ पे अकेले है, इनकी भाई बस जो है उसको लेके अभी जाने वाले, मिनी बस को लेके अभी आगे बढ़ने वाला है ये भाई बड़ा सा हाथी। यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे बंदा रुक रहा है गबरू, यहाँ पे भाई ये हाथी लेके जाने वाले है मेरे को लग रहा है कि नहीं। गबरू भाई मेराट्रॉन के लिए वेट कर रहे हैं, मेराट्रॉन भी वहाँ पे देख रहा है बंदे को, शायद से मेराट्रॉन यहाँ पे हिट करने वाला है। वहीं पे जाके देखते हैं यहाँ पे स्टार के बंदे क्या कर रहे हैं, फोर डॉट्स के बंदे यहाँ पे अटैक करने वाले विद FSM। देखते हैं अभी इनके सामने लीजन यहाँ पे है, लीजन को यहाँ पे पिकअप कर लिया गया है, लीजन को यहाँ पे नॉक देते हुए ऊपर से यहाँ पे हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, हेडशॉट खिड़की से मारने की कोशिश कर रहे थे। और टिनटिन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं टिनटिन ने भी यहाँ पे नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं नहीं नॉक कर पाया हेडशॉट को। हेडशॉट ने यहाँ पे रिटर्न नॉक दे दिया टिनटिन का, हेडशॉट यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। मॉलीज आ रहे हैं हेडशॉट के ऊपर, यश भी वहीं पे है ट्रैप देने के ऊपर आ चुके हैं। देखते हैं तमाचा भी आगे बढ़ रहे हैं, एक और बंदे को यहाँ पे नॉक देने की। गबरू को यहाँ पे पिकअप करते हुए हेडशॉट को भी पेल दिया भाई पीछे से, हर एक बंदा भाई पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है एक एक करके। कगुया भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई पीछे में, एक बंदा लीजन नॉक भाई हेडशॉट अभी तक जिंदा है। कगुया यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हेडशॉट ने यहाँ पे हेल्थ लगा लिए एंड ये भाई हेडशॉट की हेल्थ बहुत ही लो, हेडशॉट यहाँ पे नॉक हो गए। यश ने हेल्थ लगा लिए, वापस से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये यश को भी नॉक दे दिया है, यश भी नॉक वहाँ पे। लक्ष्य कहीं और फाइट कर रहे हैं FTF के बंदों के साथ में, लक्ष्य अकेले यहाँ पे एक बंदे को फिनिश ऑफ करने की कोशिश करने वाले थे पर नहीं, पिक ऑफ नहीं कर पाए एंड लक्ष्य भी मर जाएंगे। FSM की पूरी टीम यहाँ पे डेड होती हुई एंड खत्म होती हुई। ऑन टॉप के बंदे अभी तक जोन के बाहर है, धीरे धीरे आगे आएंगे। वही के वॉर के बंदे भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मेराट्रॉन ने यहाँ पे हिट देना चालू कर दिया है शायद से मेरे को लग रहा है बंदे के ऊपर, पर मेराट्रॉन मार नहीं रहा है शायद से मेरे को लग रहा है। अब मारने की कोशिश की थी पर नहीं, हाँ चोमू यहाँ पे जा रहे हैं, क्या मार पाएंगे यहाँ पे, टपा टप दे भाई प्रे मारने की कोशिश कर रहे हैं चोमू के ऊपर, चोमू के ऊपर प्रे नहीं लगा, ट्रेस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पे भाई एनसिंग के बंदे घुस गए बीच में और एनसिंग के बंदे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वही पे भाई गोरिल्ला भाई, ये बंदा है कौन, ये बंदा भाई पेल रहा है बंदों को एक एक करके, एक एक करके बंदों को पेल रहा है भाई, ये कौन है। ओ राणा भाई ने भाई पेल दिया, राणा भाई का ओपी सा यहाँ पे नॉक दिखते हुए हमें भाई बी टाउन के बंदे भी पेल रहे हैं भाई। देखते हैं बी टाउन के बंदे क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, MTF के बंदों को नहीं रे भाई, बी टाउन के बंदों को दिखाओ बे, क्या पागल हो गए हो क्या ब्रो, बी टाउन के बंदों को दिखाओ। हाँ बी टाउन राणा भाई, ओके तो राणा भाई को हम लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए। ये लोग है भाई हाइसिंदिया, ओके हाइसिंदिया पे है और ये अपने अपने आराम से यहाँ पे किल लेके आराम से फुल बूम बाम करने के लिए। द अनबीटेबल इज नॉट बीटेबल, ओपी कास्टिंग ब्रो, फुल फाइट कवरेज, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हेल बॉय को दिखाओ, हेलो नेस्टर गोंसाल्विस मेरे भाई क्या हालचाल है। ओ बूम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, टीम नंबर 16 भी अटैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए भाई ये कौन सी टीम है इनके सामने, F2F के बंदे दो दो के स्पीड में बट चुके हैं एंड टीम YNX Esports भाई एक एक करके हर एक कंपाउंड लेने की कोशिश कर रही है भाई। मे भी यहाँ पे F2F को कोई करने का कुछ जरूरत ही नहीं, इनको सिर्फ वेट करना है एंड तक। अगर बाजू से कोई आए तो तकलीफ में जा सकते हैं, मे भी ये वाला कंपाउंड अगर लेंगे राइट वाला तो शायद से बच सकते हैं, पर क्रिटिकल और मिराकल यहाँ पे फंस चुके हैं YNX के फायर के अंदर, यहाँ पे भाई पिन डाउन हो चुके हैं। वही पे भाई F2F के नितिन के ऊपर भी अटैक्स आ रहे हैं, बीस्ट ओपी भी थोड़े धीरे धीरे फॉल बैक हो चुके हैं।
का कवर यहाँ पे देते हुए देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। दिखाना यार ब्रो, बता तो सही किसको देखना है। ओके बीटन ऑफिशियल यहाँ पे फाइट करने वाली है विथ हेल्प बॉय, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बराना भाई शदाब सी फॉर एवर एंड राम फॉर द विन। मे बी ये लोग धीरे धीरे जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्प बॉय क्या कर रहा है ब्रो? अब ये बंदे के क्या हो गया? अबे हेल्प बॉय मर रहा है। WL Esports, आई एम अ बॉट। WL Esports बोल रहा है, वो खुद बॉट है, ठीक है कोई बात नहीं मेरे भाई, सब लोग बॉट नहीं होते, आप है तो इट्स ओके, इट्स ओके ब्रदर, नो वरीज नो वरीज ब्रदर। और यहाँ पे एक बंदे को नॉक दे दिया भाई, ये बंदा नॉक हो चुका है। कगुया यहाँ पे है, कगुया का भी फिनिश ऑफ कर दिया मेरे को लग रहा है। एनसिंग के फैंटम और एक नॉक हो पड़े थे, फैंटम एंड एक को यहाँ पर रैप देते हुए। हेल बॉय को देखा भाई ये क्या कर रहा है, वो ऐसा मर क्यों रहा है? हेल बॉय क्या हुआ, क्या हुआ उसको, हेल में जाना है क्या? ये अभी अपने दोस्तों को रैप करेंगे, यहाँ पे बंदों को रैप करेंगे और देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन है। वैनिक्स स्पोर्ट्स के भाई सेनपाई की हेल्थ थोड़ी सी लो कर दी थी FTF के बंदों ने, देखते हैं। फिलहाल के लिए FTF के बंदे अच्छे खासे कवर में है। ओ भाई यहाँ पे ओपी सा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, बीस्ट ने बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे फायर दे दिया। मिराकल की हेल्थ लो कर दी, मिराकल की हेल्थ लो हो चुकी है। क्रिटिकल यहाँ पे आराम से लेटे हुए, क्रिटिकल मजे ले रहे हैं, जमीन के नीचे फंस गया। अरे भाई क्या ही बोली। और DMR के बंदे यहाँ पे भाई हिट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे वॉर के बंदों के ऊपर भाई। ए दो बंदे लेफ्ट में, दो एक बंदा पीछे से यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे करके। मेरे को लग रहा है कि भाई ये बंदा पेलने वाला है, ऊपर से आ रहा है भाई, वो भी ऊपर से आ रहा है। शॉक्स ने यहाँ पे भाई एक को पिक ऑफ कर लिया यहाँ पे वॉर के बंदे के ऊपर भाई, क्या ही यहाँ पे फ्लैंक मारते हुए शॉक्स। ड्रिगर अकेले यहाँ पे प्रीबॉट को खत्म करते हुए, प्रीबॉट खत्म हो चुके हैं एंड ये ट्रिगर वर्सेस शॉक्स हो चुका है। ड्रिगर वर्सेस शॉक्स यहाँ पे अटैक करने वाला, ड्रिगर को पीछे से भी अटैक आ रहे हैं। स्प्रे गॉड ने यहाँ पे टपा टप करके नॉक दे दिया है एंड ये मारने की कोशिश। चोमू वहीं पे है, शायद से शॉक्स को पिक ऑफ करेंगे। चोमू वेट कर रहे हैं, चोमू ने देख लिया यहाँ पे बंदों को, शॉक्स को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है पर नहीं मार पाएंगे। ड्रिगर यहाँ पे मर जाते हैं। बी टाउन की टीम यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बी टाउन, राणा भाई, शदाब, सी फॉर एवर एंड राम फॉर द विन यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इन लोगों का। इनके पास में बहुत ढेर सारा एमओ अलॉन्ग विथ अच्छे खासे वेस्ट भी है। वेस्ट स्विच करते हुए यहाँ पे राम हमें दिख रहे हैं एंड सी फॉर एवर भी यहाँ पे फुल मजे ले रही है, मजे ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इनके साथ में। तब तक ले जाते हैं भाई वैलेंस स्पोर्ट्स के पास में, भाई जो बंदे हैं वो देख लेते हैं वैलेंस स्पोर्ट्स यहाँ पे भाई फाइट करने की कोशिश करने वाले हैं। और ये ऑन टॉप के बंदे इन्होंने वापस से ऑन टॉप के रेजेस ले लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है भाई। वैनेस के साथ में अभी यहाँ पे तकलीफ में आने वाला है शायद से, मेरे को लग रहा है। अब बायोनिक के पास में है कार 98, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होगा। बायोनिक के बंदे जो है वो, और बीटाउन के बंदों ने भाई नॉक करना चालू कर दिया भाई, एक पीछे एक नॉक करते हुए भाई बीटाउन के बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बंदों को पेलते हुए विद अ पैन यहाँ पे फेल दिया भाई, फ्लिक को यहाँ पे पैन के साथ में खत्म कर दिया। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे स्पोर्ट में स्पिरिट अभी तक जारी है। बंदे यहाँ पे कभी कभी लेते हैं बंदों की, पर वही बंदा कभी कभी नेक्स्ट टाइम में दूसरे बंदे की भी ले लेता है, तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है फिलहाल के लिए। बंदे अगर देखा जाए तो भाई बंदे यहाँ पे धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन टॉप के बंदे जोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। क्लॉय के ने यहाँ पे एक और बंदे को गिरा दिया है भाई, क्लॉय के यहाँ पे बूम करने की कोशिश कर रहा है। एनसिंग के क्लॉय के भाई पेल रहे विद अ मिनी हेड, एक बहुत अच्छा नॉक यहाँ पे दे दिया है। एंड क्लॉय के यहाँ पे हेल्थ किट मारते हुए, हेल्थ किट मार के ये लोग निकलने वाला है शायद से, हमें लग रहा है। एक बंदा इनका निकल चुका है, ये पेन किलर लेते हुए हमें दिख रहे हैं क्लॉय के। ऑल्सो एनसिंग के फैंटम जो है, एनसिंग के फैंटम ने यहाँ पे गाड़ी देख ली है। FTF के बंदों के ऊपर नजर रखी जा रही है। नितिन एंड बीस्ट ओपी वहीं पे है पीछे में है इनके। वैनिस के ऊपर भी नजर रख रहे हैं FTF के फैंटम एंड लॉर्ड नरुटो ने ऑन टॉप के प्रफुल को यहाँ पे फेल लिया। देखते हैं लॉर्ड नरुटो है कहाँ पे भाई, ये तो भाई अनबीटेबल्स के अंदर रहेंगे मेरे को लग रहा है। जी हाँ, और देखते ही यहाँ पे नरुटो पट्ट वाला हेडशॉट, बहुत ही ओपी सा हेडशॉट यहाँ पे देते हुए एंड खत्म करते हुए शायद से, मेरे को लग रहा है बंदे को नहीं खत्म कर पाए शायद से हमें लग रहा है। जी यार खत्म कर दिया भाई बंदे को, खत्म कर दिया। ऑन टॉप के बायोनिक के ऊपर यहाँ पे पेलना की कोशिश कर रहे थे, बायोनिक की हेल्थ लो हो चुकी है। बायोनिक को जोन में जाना है, जोन में ऑलरेडी जा चुके हैं। बायोनिक को एक अच्छा खासा कंपाउंड लेना है, क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए बायोनिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कंपाउंड ले रही है भाई, वेट कर रहे हैं, हेल्थ मारेंगे बाद में घुसेंगे कंपाउंड के अंदर। जोन के बाहर ही मरा भाई।
और देख रहे हैं हम लोग भाई इंस्पायर के बंदे यहाँ पे मरते हुए भाई, इंस्पायर के बंदों को भाई बेलना चालू कर दिया है वैनिस स्पोर्ट्स के बंदों ने भाई, बंदों को यहाँ पे स्पॉट करके पेला जा रहा है वैनिस स्पोर्ट्स के सामने इंस्पायर एस के बंदे। हीलियोस भी यही पे है, देखते हैं भाई पूरे की पूरी टीम इंस्पायर की यहाँ पे, और टीम अनबीटेबल्स भी वही पे। सेंपाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई, ये तो हीलियोस के नजदीक में जा रहे हैं, क्या होने वाला है? एनसिंग के फैंटम ने वहां पे बंदों को गिरा दिया है, फैंटम यहाँ पे बंदों को गिराते हुए एंड हीलियोस ने भाई द अनबीटेबल्स को मार दिया भाई। इतना दूर तक भाई टपाटप दे रहे हैं भाई ये बंदे, टपाटप दे रहे हैं गाइस ये बंदे, यहाँ पे फुल बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है विद इंस्पायर एग्स। इनका एक साथी तो मर चुका है, तीन दिन जिंदा है अभी तक, देखते हैं फिलहाल के लिए क्या होगा। ओ एनसिंग के बंदों ने वापस से दावे मेडिबल्स के बंदों को यहाँ पे नॉक दे दिया है, एंड मे बी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर सकते हैं, पर नहीं, इनका साथी अभी तक जिंदा है। एक और साथी जो है वो इनको रैप देने वाला है, एनसिंग के बंदे भाई पीछे से यहाँ पे रैप दे रहे भाई, नॉक कर रहे भाई बंदों को। जीना शकुन ने वहां पे गॉडजिला ओपी को नॉक दे दिया, एंड ये गॉडजिला ओपी को रैप देते हुए हमें दिख रहे हैं एनसिंग के बंदे। इनके ऊपर भाई बूम्स किए जा रहे हैं भाई टीम जेनर, वही पे बाजू में देखा जाए तो इनके बाजू में कोई नहीं, तो एक साइड से इनको कवर अच्छा खासा है। एंड टीम एफ टू एफ भी धीरे धीरे जोन में आने की कोशिश कर रही है भाई, जोन के बाहर कितने टीम्स है भाई, ये तो वैनिक्स एक्सपर्ट फाइट करने की कोशिश कर रही है। सेंपाई यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं विथ टीम इंस्पायर के साथ में, यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे भाई वैनिक्स स्पोर्ट्स के भाई साइफर को देखा जाए तो यहाँ पे साइफर साइफर जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मॉलिश डाल रहे हैं। हीलियोस की हेल्थ लो नहीं हो रही है मॉलिश के साथ में, हीलियोस यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक के कवर में यहाँ पे बैठ गए हैं टीम इंस्पायर। मिर्जा मर चुके हैं, तीन साथी जिंदा है अभी तक। इंस्पायर यहाँ पे धीरे धीरे जोन में आने की कोशिश कर रही है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है गाइस। मेरे को लग रहा है कि यार ये इंस्पायर के बंदे ऐसे हैं कि ये लोग जोन लेते हैं और बहुत ही ओपी करते हैं, देखते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे जोन लेंगे कि नहीं। वहीं पे पीछे में भाई एक ओपी सी टीम दिख रही है हमें, जो कि है वैनिक्स, यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्स गॉड विथ अ 7.62 एन एन उजी, बहुत ही ऑड कॉम्बो यहाँ पे लेके आ गए फ्लेक्स गॉड। देखते हैं यहाँ पे फ्लेक्स गॉड इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए फ्लेक्स गॉड की हेल्थ बहुत ही लो हो चुकी है, एंड इनका एक बंदा सेनपाई जो है वो नॉक पड़ा गया पड़ा हुआ है। इंस्पायर के बंदे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे फ्लैंक मार रहे हैं बंदों के ऊपर, एक एक करके गाड़ी फोड़ दी गई है। सेनपाई को यहाँ पे नॉक कर दिया गया था, साइफर इनको रैप देंगे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सेनपाई यहाँ पे रैप हो चुके हैं, बाजू में द अनबीटेबल्स भी है, द अनबीटेबल्स पहले की कोशिश करिए, पट वाला हेडशॉट देने की कोशिश यहाँ पे नरुटो कर रहे हैं, और सेमिट ने यहाँ पे भाई मैनेज को दे दिया। ओ भाई बच गया भाई, ये बंदा बच गया, ये पट्टू वाला हेड शॉट वापस देने की कोशिश भाई। नरूटो के शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीन है यहाँ पे। तब तक के लिए देखते हैं यहाँ पे टीम वैनिक्स स्पोर्ट्स क्या कर रही है। इनका एक बंदा सेनपाई जो नॉक पड़ा है, इसको बचना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। क्लॉ एक को भी गिरा दिया गया है यहाँ पे भाई, हीलियोस के ऊपर स्प्रे मारने की कोशिश कर रहे हैं लेट के, पर ये स्प्रे भाई बहुत ही ज्यादा हिल रहा है। देखते हैं जेमिट के ऊपर भी स्प्रे मारा है यहाँ पे लेट के विद 4x7M762 भाई, गलत ही स्प्रे। बंदे यहाँ पे एक एक करके इनको नॉक कर रहे हैं वैनिस स्पोर्ट्स के बंदों को, और इनको जोन में भी जाना है शायद से। यहाँ पे स्मोक डाल के रैप करेंगे जरूर, पर बंदे यहाँ पे भाई पुश करने में आ गए शायद से। मीरा यहाँ पे नॉक पड़े हैं, हीलियोस जो है वो जेमिट को लेके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। लूजर नरुटो गाड़ी उड़ा उड़ा के अंदर घुस रहे जोन के अंदर, इनके ऊपर फायर डाल रहे हैं, एंड ये क्या होने वाला है, इनका एनसिंग के फैंटम को यहाँ पे गिरा दिया गया है पीछे से। यहाँ पे भाई बंदा गिराते हुए क्लॉक है, बंदे ने यहाँ पे इनको गिरा दिया भाई। नरुटो की गाड़ी अटक गई, नरुटो को भाई ये दिखा ही नहीं भाई। नरुटो धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एनसिंग के फैंटम नॉक पड़े हैं, गॉडजिला ओपीपी ओपीई यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इनके साथ में। एनसिंग के बंदे यहाँ पे ओपी खेलते हुए मेरा मार, मेरे को लग रहा है कि जैसे कि इनका घर ही है, ये लोग बहुत ही ओपी से खेलते हैं यहाँ पे। एनसिंग के बंदे फैंटम यहाँ पे बच जाते हैं, फैंटम को यहाँ पे रैप दिया जाएगा ऑफकोर्स। बीस्ट ओपी यहाँ पे बाजू से नॉक देते हुए टैप टैप करके क्लॉ एक ने भाई जीएनआर के आज को भी पेल दिया भाई, बहुत ही ओपी से यहाँ पे टैप टैप देख रहे हैं हम लोग। नैसी के ऊपर भी टैप टैप दे रहे हैं, शकुनी को यहाँ पे नॉक दे दिया है एफ टू एफ के बंदों ने, वहीं पे भाई शॉन अकेले बाकी है, नैसी के ऊपर स्प्रे डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्लॉ एक यहाँ पे आराम से वेट कर रहे हैं बंदों का भाई, जोन के बाजू में इनके दो अनबीटेबल्स भी है तो इनको इनसे भी बचना पड़ेगा।
फिलहाल के लिए येलो भी जोन में नहीं है, ऑन टॉप के बंदे जोन में है। ऑन टॉप के बंदों को देखते हैं और बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे बायोनिक ने निकाल लिया है भाई, क्या ही नॉक निकाल लिया भाई, ये अब खत्म करे बायोनिक विथ एन कार 90 यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए बहुत ही ओपी से यहाँ पे फिनिश कर दिया है अब बंदे को। एंड भाई ये बायोनिक के ऊपर स्प्रे आ गया है, वॉर के चोमू नॉक हो गया भाई। बीट डाउन ऑफिशियल देखे यहाँ पे भाई, बीट डाउन ऑफिशियल क्या कर रही है, बीट डाउन ऑफिशियल के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं डीएमआर के बंदों के ऊपर। देखते हैं भाई ये लोग रुक नहीं रहे, 5 किल हो गए, एक बंदे को नॉक दे दिया है यहाँ पे स्प्रे मारे, कुछ स्प्रे गॉड को यहाँ पे नॉक दे दिया बहुत ऑफिस नॉक बाय राम फॉर द विन। एंड अपने बंदे को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हाइपर भी यही पे है। एंड भाई दूसरा इनका एक बंदा जो है डीएमआर का जो है शॉक्स वो भी वही पे, बंदों को यहाँ पर रैप दिया जाएगा, अपने दोस्त को यहाँ पर रैप दिया जाएगा, स्प्रेगॉड को भी यहाँ पर रैप दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेड्स ले गए हैं, वॉर के क्रोनोस अभी तक जिंदा है, जीजा के बंदे भी वहाँ पर नीचे में रजिस लेके रुक गए हैं, वहीं पे एक एक करके सबको रैप दिया जा रहा है। सी फॉर एवर राणा भाई यहाँ पे मस्त खेल रहे हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे बहुत ही ओपी से नॉक निकालते हुए राणा भाई फॉर द विन। ऑन टॉप के बायोनिक ने अपने दोस्त को यहाँ पे टोक्यो को यहाँ पे रैप देना चालू कर लिया है, वहीं पे अगर देखा जाए तो भाई जेमिट जो है वो धीरे धीरे जोन के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑन टॉप यहाँ पे पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड बायोनिक के ऊपर हिट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे जेमिट अकेले है, जेमिट मार रहे हैं भाई, जेमिट बंदा भाई इनको कवर से बाहर निकलने को नहीं दे रहा है, इसको अंदर आना है जोन के अंदर मारते हुए भाई बहुत ही ओपी से यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं और जोन का डिसएडवांटेज लेके एंड अटैक्स लेके ऑन टॉप के यहाँ पे मर चुके हैं। ऑन टॉप की टोकिया में बंदे को नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये बंदा क्या ही जिगल दे रहा है, बहुत ही ओपी सा जिगल यहाँ पे देते हुए बीस्ट ओपी ने यहाँ पे एमटीएफ के हॉक को निकाल दिया, एमटीएफ के हॉक को फिनिश ऑफ करते हुए बीस्ट ओपी वहीं पे भाई। देखते ही देखते बंदे एक के पीछे एक एफटीएफ के धीरे धीरे जोन के अंदर क्लोजिंग करते हुए, एंड भाई बंदों को जोन में जाना है, ऑन टॉप के बंदों को गाड़ी लेकर जोन में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई चारा नहीं है इनके पास में। लूजर नरूटो ने बहुत ही ओपी सा नॉक यहाँ पे बीस्ट ओपी का निकाल लिया है, एफटीएफ के बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे लूजर नरूटो क्या कर रहे हैं, एक और नॉक निकाल पाएंगे कि नहीं। ये पट्टो वाला यहाँ पे देने की कोशिश कर दी थी पर नहीं नॉक निकाल पाए, थोड़े से दूर थे ऑन टॉप के बंदे ने यहाँ पे भाई शादाब को नॉक कर लिया, बी डाउन के बंदे यहाँ पे मरते हुए मेरे को लग रहा है कि खत्म हो गए हैं, डीएमआर के बंदे ने यहाँ पे खत्म कर दिया है, स्प्रे गॉड हाइपर एंड शॉक्स धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अभी इनको जाना है जोन में, वहीं पे भाई ऑन टॉप के बंदे अभी तक फाइट ले रहे हैं, टीम जिंदा जोन में आ चुकी है, एफटीएफ के बंदों के साथ में यहाँ पे फाइट होने वाले है, एफटीएफ के बंदे भी यहाँ पे जोन में धीरे धीरे आ रहे हैं, आके लेट चुके हैं, इनको जोन में आना है, जिंदा के बंदे यहाँ पे इनको भाई थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो नेस्टी एंड शॉन दोनों ही बंदे बचे हैं, बीस्ट ओबी को स्पॉट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी एन आर नेस्टी वहीं पे भाई कवर के बाहर नहीं जाने वाले मेरे को लग रहा है शायद से, ऑल्सो नेस्टी उतर चुके कवर के बाहर, मे भी इनको ऊपर से अटैक आ सकता है जो कि है शॉक्स का, शॉन यहाँ पे हिट दे रहे हैं एक के पीछे एक, बीच के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जा रही है बाय टीम जीएनआर, पीछे से ऑन टॉप के बंदे आ गए जोन के अंदर घुस के अपना एक स्पॉट बना लिया है जोन में, शॉन ने गाड़ी फोड़ दिया, ऑन टॉप के बायोनिक को फोड़ के खत्म कर दिया है गाइस। पीछे से यहाँ पे नीचे से एक और बंदा आने की कोशिश कर रहा है नेस्टी के नजदीक में, शॉन भी वहीं पे देखते हैं यहाँ पे बाजू में कहने वाला है, और भाई एफटीएफ के बंदे यहाँ पे नॉक हुए जा रहे हैं और एक और बंदा जो था वो मर चुका है मेरे को लग रहा है शायद से, वॉल्क्रोनोस को यहाँ पे खत्म कर दिया, डीएमआर के बंदे एक के पीछे एक नॉक हुए जा रहे हैं, बी शोपी ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा नॉक निकाल लिया, बी शोपी को यहाँ पे कवर है फ्रॉम नेस्टी तो शायद से बी शोपी यहाँ पे ऊपर के नॉक निकाल सकते हैं, स्प्रेगोड़ा के लिए बाकी है डीएमआर के, देखते हैं क्या अपने दोस्तों को यहाँ पे रेफ कर पाएंगे कि नहीं, स्प्रेकॉड रेफ करने की ही सोच रहे हैं, बीच टोपी के ऊपर भाई बाजू से कवर आ रहा है और ये एफटीएफ के मिराकल को नॉक देते हुए मिराकल को खत्म कर दिया, शायद से नितिन को खत्म नॉक दे दिया वापस से नेस्टी ने, टीम जीएनआर यहाँ पे एफटीएफ के ऊपर भारी पड़ती हुई एंड एफटीएफ भाई ऊपर वाली रिजेस देख रहे हैं, बीच टोपी को देखा जाए तो बीच टोपी यहाँ पे तकलीफ में आ सकते हैं अगर डीएमआर के बंदे रेप हो जाएंगे तो, नेट से यहाँ पे मरते हुए भाई जीएनआर नेस्टी जीएनआर वर्सेस डीएमआर यहाँ पे फाइट होने वाला है, फिलहाल के लिए टीम डीएमआर यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी तगड़ी लग रही है बिकॉज इनको जोन में 50-50% चांसेस है और यहाँ पे थोड़ा सा जो चांस है वो है भाई बंदों का, देखते हैं क्या सीन होने वाला है, फिलहाल के लिए टीम जीएनआर यहाँ पे वेट कर रही है, होल्ड कर रही है, मेरे को लग रहा है एक बंदा यहाँ पे घुसने वाला है जोन के अंदर शायद से, हम लोग को यही देखना है कि एग्जैक्टली टीम डीएमआर भाई जोन के अंदर कैसे घुसते, जोन के अंदर घुसना चालू हो चुके हैं हाइपर के ऊपर, यहाँ पे हाइपर को नॉक दे दिया नेस्टी ने, नेस्टी यहाँ पे फिल्टर करते हुए बंदों को, मे बी शॉन घुसेंगे जोन के अंदर शायद से मुझे लग रहा है यहाँ पे, जी हाँ बंदों को यहाँ पे फिल्टर किया जा रहा है, शॉन जोन के अंदर घुस गए हैं और भाई इन्होंने स्पॉट पकड़ लिया है, टीम डीएमआर को अभी यहाँ पे जोन के अंदर आना है तो भाई तीनों को एक साथ आना पड़ेगा, स्प्रे दे रहे हैं यहाँ पे बंदों की हेल्प बहुत ही लो हो चुकी है एंड नेस्टी यहाँ पे एक के पीछे एक खत्म करे भाई, प्लेजोन के बाहर नेस्टी नॉक पड़ गए हैं, स्प्रे गॉड भी भाई प्लेजोन के बाहर नॉक पड़े, अभी शॉन अकेले बाकी है, शॉन को यहाँ पे खत्म कर दिया, शॉन ने यहाँ पे बंदों को खत्म कर दिया, डीएमआर के दो बंदे बाकी है, 1v2 का फाइट चालू हो चुका है अभी यहाँ पे,
शॉक्स एंड हाइपर यहाँ पे जिंदा है, शॉन मारने की कोशिश कर रहा है, शॉन यहाँ पे धीरे धीरे वेट कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। टू वर्सेस वन का फाइट यहाँ पे है, शॉन आराम आराम से मारे एंड शॉन को यहाँ पे खत्म करती हुई टीम डीएमआर जीत जाती है एंड लेके जाती है आज का ये चिकन डिनर। बहुत ही ओपी से यहाँ पे नॉक निकालते हुए टीम डीएमआर, एंड तीन बंदे थे, तीन में से एक को शहीद कर दिया, पर भाई दो बंदों ने चिकन डिनर के लिए भाई हाथ मार ही लिया और चिकन डिनर लेके चले गए। 10 kills भाई, 10 kills लेके भाई चिकन डिनर लिया, ऐसा नॉर्मल चिकन डिनर नहीं लिया, बहुत ही ओपी से चिकन डिनर लेते हुए यहाँ पे बहुत ही अच्छा खेले टीम डीएमआर। ओके गाइस, तो यहाँ पे खत्म हो गया है हमारे स्क्रीन, और इसके बाद में हम लोग खेलने वाले हैं हमारा टीटीएन का गेम प्ले दिखाने वाले। फिलहाल के लिए बचा कितना बड़े, ओके 11.5, तो हाफ एन आवर है हमारे पास में। हाफ एन आवर के बाद में हम लोग गाइस स्ट्रीम को बंद करने वाले हैं, क्योंकि यार सुबह थोड़ा सा काम है तो जाके सो जाते हैं। और बस गाइस, आप लोगों को अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड T3 एंड T2 के लिए तो हमने बता ही दिया एग्जैक्टली क्या चैलेंज है, अगर आप लोगों को हमारे T1 एंड T2 खेलने हैं तो। तब तक के लिए जो लोग जा रहे हैं कनाडा पे, सी यू आफ्टर वी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी। मिलते हैं कल वापस से 10 और 11 बजे, बूम बाम करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, पूरा राड़ा बनाने के लिए भाई, पूरा राड़ा बनने के लिए भाई, राड़ा बनाओ भाई, राड़ा करो भाई, फोड़ो तोड़ो मरोड़ो जो करना है करो। हम लोग की भी आता है ये सब करना ब्रो, मैं समझा नहीं विजन क्या बोल रहा है। गाइस तो हमको इसमें से अभी ये क्या हो गया, अभी पूरा ब्लैंक आ गया स्क्रीन। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्क्रीन, लॉगिन करते हैं। ओके गाइस, तो हमने लॉगिन कर लिया है, जाते हैं फटाफट। जूस जूस यू प्लेइंग और गोइंग? आई एम प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, मिसेस स्टार्ट जूस आधा घंटे के लिए खेलने वाले हैं हम, उसके बाद में जाने वाले हैं। तो गाइस इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं मराठी में, हमारा इन गेम कम्युनिकेशन मराठी में होने वाला है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यू कैन वेट, और ऐसे आप लोगों को एंजॉय करना है तो आप लोग वेट कर सकते हैं। वैसे तो हमारा गेम प्ले अच्छा नहीं है। यो यो यो, का हाल चाल? क्यों 30 MB तक घेतले काय अखाना अंगाला? अरे भाई लोक लोक एवढी रडतात का? माझं वाटलं सुविधाला सांगून 30 MB मला दे रे प्लीज, दे रे मला वरती असं यापेक्षा दे रे, रडा रड केले झ्यूस आय गॉट गो बाय। ओके मी सेट ऑन बाय बाय, काय ते काय ते दोन नंबर वाला ना
दोन्ही ब्लूटूथ ते माझा अंगठी मी ब्लूटूथ कनेक्ट करतो था म्हणून ते बरं हा का ते माझा अंगठी नेक्स्ट गेम पण खाली झालं परत आइए पता चला है कौन सा नशा करता है। ने म्हणजे आज झाले काय म्हणजे आज सुविधान एवढं यकय दिले कुठकही दिले सुविधान बोटला ढकली भाई हाँ समोर दोगो थाम पळाले ते ना म्हणजे वन वी फोर करत आहे ना नाही यार वन वी फोर करत आहे ना हा ये तू वन वी फोर आहेस मर गेसल क्राब ग्रास भाई आज भाई फुल विदाउट वेस्ट खेळणार ना बीएसएस घेऊन मना डॉक्टरी आपने मारणार मारूची डॉक्टरी मारणार डॉक्टर तूच एक माही असा यार पेंचूत प्लेयर आहे प्लेयर आहे प्लेयर आहे मग ते प्लेयर आहे काम काम ओ भाई या मेरे एक गेम ही है अपग्रेडेड वाली है मी ओपना है तेरा नहीं मुंडा मेरे दिला का तू थाम थाम ती मार ती मार ना ओ ती ती ओ बीच टाइम वो घेऊन आला एडा मी पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो कटे थी डॉक्टर थोड़ा है कौन सा टाइम हो पाई जे कटे फटाफट तेरे मना दिए जाने भाई तू कट लांग तेरी अटला बोलने ओ हिट दिला हिट कर टट्टी हिट कर ना मागना तेरा नाइस नॉक हिट दिला तेरा मैं कड़क घरात बघ घरात बघ घरात बघ अरे काय घर आता कटना बघ असा या पॅनला लेफ्ट चा लेफ्ट चा एमोने काय कोणी काय पत्ते गुफाला मारत ना चल खपला एक वाटते नंबर नाही नाही पहिला नाही 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 थांब 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 बाजूत ना झाले दुसरा डॅमेज द्या साईडला डॉक्टरना साठी अटे यामध्ये Marked a location. अपग्रेडेड घेऊन तुमच्या आयला कटे रेत होता अडे नॉक केला अडे नॉक नाही नाही तो बॉट आहे बॉट अरे अटे वरती आहे का चल ना क्रॅबग्रासला हाय चल ना एक कोण नाही रे अटे एक अरे फ्रेंड फॉलो केला रे भाई तुम्हाला पाहिजे ते आई सी इट द मागना पेलना मना क्रॅबग्रास चे आले क्रॅबग्रास चे आली एक खट एक मायामर आली ठीकत 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 हे बघ एक अटलाय या धडा मेरे एक अटलाय डॉक्टर अटना लगा अटना अटना ओपी नॉक ओपी नॉक मागना लाइफ 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 टायटन टायटन पड़ गेला रे क्लाउसला वसतो क्लाउसला क्लाउसला टायटन यहाँ साप मार पड़वे ना सॉरी थाम मागे ना परत मागे ता भिला आला 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 फिनिश ऑफ कर लाला फिनिश ऑफ कर लाला तू इजी होल्ड कर इट्स ओके इट्स ओके काय नाही जी जी ओपी नॉक जळलं रे जळलं दोन्ही जळली टायटन मस्त जळली मस्त जळली घुस फोड साला ना थांब भिजाय काय घरला कोपऱ्यात 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 या मागे लेफ्टला लेफ्टला आहे
लेफ्ट जा रहा है, जा लग ले भाई। फिशमर 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 बेंच छोड़ अब बिलते हैं भाड़ में बिदेक है। अरे नहीं हाँ गिला अड़कला 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 कंपाउंड अड़कला बगिले में। हाँ जी जी इसलिए कह रहे जी जी ला अंकल ला फिनिश कर कला भेंडी पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। काय करते तू हा गाला मुतरा चालला काय यान क्लाना सोडली येडे कोणती मी कटे या क्लान मंद होता या अकाउंट वर पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। आवाज गेला आवाज गेला का कित पण कोणतरी काहीतरी आणतो वरती आहे वरती काय वरती ओ डॉक्टर काय आणतो कोण अरे डॉक्टर कोणतरी काहीतरी आणतो का मी अखंड वरती रेते ना माझ्याकडे लकी येते काय लकी येते अरे मी एवढा स्लो किंवा चाललाय तांबट कधी ऍपलच बाई याला यदी असं पण कमी झालं भाई स्ट्रीम के ऊपर बेच देती ब्रो लाइव बेच देती ओ भाई तो गाइस जिसको भी समझ में नहीं आया मैं बोलता हूँ एक बंदा बोल रहा था कि मेरा नेटवर्क वैसा ऐसा वैसा तो भाई बंदा वापस से नीचे आ गया ब्रो सेकंड पोजीशन पे भाई 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 ओ भाई मारो मुझे वाट लागली हो इकडं तर मला कवर द्यायला कोणतरी आहे हा माझ्या समोरच्या बिल्डिंग मध्ये घर पब्लिक आहे वो मी बघ काय करते गाइस कुछ नहीं कर सकता मेरे पास में कुछ नहीं है ना बंदूक है ना कुछ है नहीं मैं फक्त ने रास्ते भाई लेफ्ट राइट पिक इन पिक आउट पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मैं डोका दोन दोन ओके हमार डॉक्टर डोक्यात आहे ना त्या मोठी बिल्डिंग आहे त्यामध्ये रॅशनची बिल्डिंग टिंग 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 ओपी नॉक हा ये डॉक्टर आला रे डॉक्टर बंदूक घेऊन आला डॉक्टर डॉक्टर ये तो भाई घरपोच गाइस इसको बोलते हैं भाई ओपी कर घर पोस आ ये बूम आता बूम विदाउट यह है मैमरी बेस्ट नहीं
नहीं नहीं आमजद आमजद ऊपर से नॉक, ऊपर से नॉक भाई, बंदूक दिली ना तुम्हारा, बस अभी तेरा भाई तगड़ा मारेगा बंदों को। भागो भाई, मेन बिल्डिंग था ओए, ताला नॉक करना पहला, लड़ा भाई यार नॉक कर, याला नॉट हल ना का नीस नीस भाई के अरे नेड नहीं लग रहा है, भागो स्मोक आला तो पहले भागो। अच्छा गॉड आया कुतरम पिंडाऊ के दड़ा एक खटाऊ डाडा ता सन्ने के ओए मॉली पण मारते डाडा। अरे मॉली नाही ना जाणार मेन बिल्डिंग मध्ये तोडी। यो भाई रे, यो आपला भाई, यो भाई स्टंटमॅन बघ, ये भी ठीक है भाई। तो भाई भैया मेन मिलिंग ना मारा सा एक खटला डॉक्टर डॉक्टर ओ या या फुल ट्रोल बोलते ब्रो। ओ भाई चल निकल पतली गली, चल निकल पत, ओ मिला रे मां, हां मां ये बॉट मिला। टाइटन टाइटन मार, टाइटन मार चला टाइटन। हाँ ओके ठीक है सर, ओके सीरियस सीरियस। ओ कहीं नॉक तू, कत्ता नॉक तू डाडा, कौन टा टेरेस पर से नॉक कर, थाम थाम एक अजून है चल तेरे पे कि भाई कवर देने आएगा यार, थामा तेरा विधायक पे रहे सारे उधर लग ले। लास्ट है लास्ट है, चला चला गुस्सा गुस्सा मंगा सर गॉडगन डॉक्टर तू मेरा ला तो निकला भाई, उसने हार मान ली ब्रो, उसने हार मान ली ब्रो। विनित पाटिल शाउट आउट दे दो प्लीज। अरे विनित पाटिल मेरे भाई, अ बिग शाउट आउट टू यू। अरे भाई विनित पाटिल क्या बोल रहे हो, विनित पाटिल बोलो। अरे विनित पाटिल उसका नाम, पाटिल साहब भाई बस क्या, तो ब्रो सुन यार, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, वो गाड़ी 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 आए बेटा, मैं मेरे यहां लो कपला तूने कर ला, सुन आगे मार मार अपने पास से अदर से मैंने लोग क्रॉस कर दे। मार ना फिर अटैक करता था, भाई उजी 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 क्लाव मार चला, मारना फिर मारता राइट साइड ना, मार कौन से कवर दे, लो करे। अरे ये वो अटना प्लेयर था, अटना प्लेयर अटना प्लेयर, अरे तटना मारता था मेरे, बना हाथे ना मारना मारता
भाई ये ऑटो थाम ले ये बॉट यो अरे ऑटो थाम ले ये बॉट अरे इट बॉट ऑटो थाम ले ओ जी 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 ब्रो जी 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 मस्त खेल साला बॉट कत तो चार पाड़ ले मीन नेट टकले खटर नेडवर नेड के ले बॉट साला ओपी पर ओपी जी जी हाँ बोल ना नहीं नहीं कहो कहो तक पबजी अगली चे मंगो भोका चे वड़े के लिए ना ब्रो भोकाचे वडे केल्यान भोकाचे वडे केल्यान आई जुन्या घराला सुना आगे बाय 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 या मजा केली पण हां मी नीला भाई नीस कट लागते अडे वरडा दिया नाही लागे रे भाई नीज आपल्याला वाटते पण आपल्याला वाटते पण नीज लागेच नाही एक सारे रडतात ना ब्रो नाही आराम मला कडक मिळाला मला काय टेन्शनच नव्हतं Zeus hits 12 अरे 12 वाजले का कॉल करायला लागेल सर हे शॉर्टचा गेम गाइस ओय टीम आली बघला या बोलासा काके कप्तान बोलतात मला वाटतं त्याला कोणतरी पाडणार आहे फुल रश गेम प्ले या लवकर या मी वाटे पोचलाय पावर पॉइंटला डीपी चाललाय डीपी यो कोण आहे यो डेअर डेविल डेरे डेविल पीके मला हेल्केट बिलकेट नाही काय अरे 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 इबो कटन मारता ती खाट साली अखी शकी होत ए भागो भोकाचे वडे आली मारती या लवकर आता वाट लागो भोकाचे वडे झाले अडे बॉटलर एक नॉक अब डेरे डेविल पीके पीके नॉक पीके नॉक एक नंबर भीते एक नॉक मी सारा राइट ना फ्लैंक मारला अच्छा अच्छा
काय खोटं बोलते रे? अरे खपला का? आए बड़े मजे लेने के लिए हैं साले, हमारे बिना व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? वो माना वेश दे रहे कौन तरी? गलती किया ब्रो। अरे आप अड़के लिया था तो वाट लगाओ क्या पुट से रही मुझे 60। नहीं ना रे डाडा, अभी आ रही जोरती आ रही जोरती। अरे कटला डॉक्टर टाटा, तू कटला पोचला था मी मागे। अरे जुन्या घराला सुना गे, त्याच घरचा तो पोर गे। अरे टायटन टायटन माझ्या टायटन, तगडा नो बोलते ब्रो। बोल माया फुलला भेंडी कोणती काय अटॅचमेंट लागले टट्टी वाली, मला काय समजेल, मला हिटच नाही होत नीट। अरे तू डिस्टर्ब ना कर रही है बॉट साला। अरे बॉट मादर, किल सोडून दे रे बॉटचा, मला काय इशू नाही। मला पिन डाऊन केला त्याला काय करायचं, तो विधायक बॉट गेला त्याला।
ठीक है, NFL जीत जी, हम जरा ऑल खेल मजा करूं। हाँ जी, दोनों भाई अब्दुल कलाम थर की आया स्वाद। हाँ जी आया स्वाद। ओ भाई मजा। सीधा फिनिश की माँ का साकी ना का पिन डाउन करके रखा है साला कब से। अच्छा गावत टाइटन को पिन डाउन करके टाइटन टॉक्सिकली खेलेगा ब्रो। साला भाई लोग चलो टाटा। चल भाई, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वापस से बूम बाम करने के लिए। तब तक के लिए टाटा, सी यू आस्ट्रा विस्ता, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ।